अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो दोबारा हम पढ़ेंगे C++ और देंगे हम अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल्स। तो हमारा आज चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जितनी छोटी हो सके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप इसको आगे आगे करके देखें तो फिर चीज़ें स्किप हो जाती है। कोशिश करिएगा स्पीड तेज कर लें और सारी वीडियो देखने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको आता है तो फिर आप बेहतर जानते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कैसे आपने सीखना है। तो मैं एक सीक्वेंस से इस तरह चीज़ें लेकर चलने की कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे प्रोग्राम से बड़े बड़े प्रोग्राम समझें, हर एक प्रोग्राम को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए चैप्टर नंबर 5 के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्ट्रक्चर चैप्टर का नेम है, तो जाहिर सी बात है कि थ्योरी भी तो थोड़ी थोड़ी हमें आनी चाहिए, यानी कि कंसेप्ट का पता होगा, फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम मैं टर्बो C++ पे ही करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से हमारे किस चीज़ के रिलेटेड प्रोग्राम आएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि ना भी पढ़ें तो हमारे प्रोग्राम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ वही चीज़ें कवर करेंगे जो कि प्रोग्राम्स लिखने के लिए ज़रूरी हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन लगाने के लिए यूज होती हैं। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से ही लगती है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, यहां पे बता देता हूं, ग्रेटर देन, लेस देन, इसको कहते हैं इक्वल टू, ठीक है, ये कंडीशन के लिए यूज होते हैं सारे। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, कहीं पर भी आपको ये वाली चीजें नजर आ गई तो इसका मतलब है वहां पे क्या होगी, कंडीशन होगी, ठीक है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिलेशन बताते हैं चीजों में। अगर तो वो रिलेशन ठीक है तो वो हमारे पास आंसर आएगा ट्रू, और अगर रिलेशन हमने गलत लिखा है तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। तो ट्रू का मतलब होगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है, और फॉल्स का मतलब होगा कि हमारी कंडीशन है फॉल्स है। फर्ज किया मैं कहता हूं कि मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे बड़ा है, तो बात तो बिल्कुल ठीक है, तो आंसर आएगा ट्रू। और अगर मैं कहता हूं जो मुझसे मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे छोटा है, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, ठीक हो गया। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल थी। इसी तरह मैथमेटिकली अगर हम देखें, तो अगर हम कहेंगे कि एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन है वो टू से, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन टू ही हुई तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू टू के बराबर या उससे छोटी हुई तो फिर इसका आंसर हमारा आएगा फॉल्स, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होने की बिना पे कुछ स्टेटमेंट्स चला करेंगी, और कंडीशन फॉल्स होने की बिना पे कुछ स्टेटमेंट्स चला करेंगी। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कंडीशन के बिना पे प्रोग्राम्स का चलना, स्टेटमेंट्स का चलना, इनको हम कहते हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। तो ये वाली चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इफ आ जाएगी। इफ में क्या होगा कि हम कंडीशन लगा दिया करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो चीज चल जाया करेगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी। देखें, अगर फर्ज किया ये एक्स ग्रेटर देन टू है ना, मैं स्क्रीन पे शो करवा दूं गुड, ठीक है, मैं स्क्रीन पे शो करवा दूं गुड, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्क्रीन पे कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। ये कहां पे होता है, ये इफ स्ट्रक्चर में होता है। तो आगे देखें, लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ में ये लिमिटेशन है कि जब चीज फॉल्स हो जाती है कोई आंसर नजर नहीं आता। तो इस चीज से बचने के लिए एक और स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, इफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उस वक्त भी एक स्टेटमेंट कोई ना कोई चलती है, एक या एक से ज्यादा। अगर फॉल्स हो जाएगी तो उस वक्त भी कोई ना कोई स्टेटमेंट हम चला सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिख दूं बैड, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास गुड स्क्रीन पे शो होगा या कोई स्टेटमेंट्स चला करेंगे, अगर फॉल्स होंगी तो उस वक्त भी स्टेटमेंट्स चला करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इफ एल्स स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है मल्टीपल इफ एल्स इफ। मल्टीपल यानी कि जाहिर सी बात है कि इसमें फिर मल्टीपल कंडीशंस होंगी। मैं कहता हूं कि अगर देखें, यहां पे इसके लिए कलर चेंज करके मैं आपको कंडीशन समझाता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। मैं कहता हूं कि जब एक्स ग्रेटर देन टू है उस वक्त स्क्रीन पे शो आ जाए गुड, ठीक है, उस वक्त स्क्रीन पे शो आ जाए गुड, अगर ये चीज ट्रू हुई, ठीक है। और फिर मैं एक और कंडीशन लगा देता हूं कि अगर एक्स जो है वो इक्वल टू टू आ गया, फिर मैं स्क्रीन पे शो करवा दूंगा एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट। और अगर मैं कह देता हूं कि इन दोनों में से कोई केस नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे पास कौन सा केस आएगा, इन दोनों में से हमारे पास फॉल्स केस आएगा। कौन सा, इन दोनों में से हमारे पास फॉल्स केस आएगा, तो फिर स्क्रीन पर दोबारा शो हो जाए बैड। तो इसमें देखें, तो इसमें दो कंडीशंस लग गई, कौन सी, एक एक्स ग्रेटर देन टू, अगर ये चीज ट्रू हुई तो स्क्रीन पे शो हो फॉल्स, अगर ये चीज
फॉल्स हो गई यानी कि एक्स टू से बड़ा नहीं है, फिर दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हुई स्क्रीन पे शो कुछ स्टेटमेंट्स चलेंगी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि एक्सीलेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर एल्स वाला केस चला करेगा, यानी कि फिर फॉल्स हो जाएगी तो उस वक्त भी स्क्रीन पर कोई शो नजर आएगा। बस इफ में क्या था, ट्रू हो तो फिर ही हमें आंसर शो करवाया करेगा या स्टेटमेंट्स चला करेंगे। इफ एल्स में क्या था, ट्रू होगी फिर भी स्टेटमेंट चलेगी, फॉल्स होगी फिर भी स्टेटमेंट चलेंगे। इफ एल्स में क्या है, मल्टीपल इफ एल्स इफ में क्या होता है कि एक से ज्यादा कंडीशंस लगाई जाती हैं। अगर एक कंडीशन को चेक करेगा वो फॉल्स है, आगे वाली कंडीशन चेक करेगा वो फॉल्स है, आगे वाली चेक करेगा वो फॉल्स है, सो ऑन करते करते अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो फिर एट द एंड फॉल्स वाली चीज हमारी चला दिया करेगा एल्स वाली, ठीक है। अगर फर्ज किया पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती वो बाकियों को चेक ना करता, ठीक है। अगर फर्ज किया पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई, तीसरी सही हो गई, तो वो तीसरी वाले को उठा देगा, बाकी सारी नीचे वाली स्किप कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स इफ में आता है, जब प्रोग्राम करेंगे अच्छे तरीके से समझ आएगी। नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ कहते हैं कि इफ के अंदर एक इफ, इफ के अंदर इफ। मैं कहता हूं कि अगर एक्स ग्रेटर देन टू, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, फिर वो चेक करे कि क्या एक्स जो है वो फाइव से भी बड़ा है कि नहीं। अगर वो फाइव से भी बड़ा है तो फिर दोबारा स्क्रीन पर शो करवाए गुड, ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं। और अगर फर्ज किया है कि एक्स टू से छोटा एक्स यही है तो ये बैड आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, और यहां पे भी मैं लगा देता हूं, ये देखें कि अगर एक्स फाइव से छोटा ना आया तो स्क्रीन पे शो हो जाए नॉर्मल, ठीक है। ये देखें मैंने ये स्टेटमेंट क्या लगाई, मैं अभी समझाता हूं आपको, ये जरा कंप्लेक्स चीज हो जाती है, इस कंप्लेक्सिटी से बचने के लिए फिर स्विच स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। यहां पे चीज कंप्लेक्स हो जाती है, इन्हीं कंप्लेक्स चीजों से बचने के लिए, मल्टीपल इफ एल्स इफ और नेस्टेड इफ से बचने के लिए फिर स्विच स्ट्रक्चर यूज होता है। तो पहले ये कंप्लेक्स चीज जो हमारे पास आई इसको मैं बता देता हूं। देखे मैं कहता हूं अगर नंबर टू से बड़ा है तो फिर ये एक और कंडीशन को चेक करे। इफ एल्स नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्ट कहते हैं घोंसला, तो घोंसले में क्या होता है, एक तिनका उसके बाद दूसरा तिनका तीसरा तिनका इस तरह। तो यहां पे क्या होगा, एक कंडीशन चेक की जाएगी, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो एक और कंडीशन चेक की जाएगी। देखे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो एक और कंडीशन चेक करेगा क्या एक्स फाइव से भी बड़ा है, अगर फाइव से भी बड़ा होया तो स्क्रीन पर गुड शो हो जाएगा, अगर फाइव से बड़ा ना हुआ तो नॉर्मल शो हो जाएगा। फर्ज किया है अगर ये पहली ही गलत हो जाती है तो फिर ये दूसरी चेक नहीं करेगा बल्कि फॉल्स वाली चलाएगा जिसमें बैड लिखा होगा, ठीक है। तो ये थोड़े से कंसेप्ट है, और इसी चीज से बचने के लिए स्विच स्ट्रक्चर आया। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये एक ही लाइन में परफॉर्म कर दिया जाता है, यानी कि ये इफ एल्स से जो काम होता है बिल्कुल वही काम कंडीशनल ऑपरेटर करता है। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर क्या कर देता है, काम को आसान कर देता है, एक लाइन में अप्लाई हो जाता है। जहां पे इफ एल्स स्ट्रक्चर दो तीन लाइनों में अप्लाई होता है, ये वाला एक लाइन में ही चल जाता है, तो यानी कि ये हमारे लिए ज्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे इफ एल्स ही लगेगा, कहीं कहीं कंडीशनल ऑपरेटर ही लगेगा। कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर होता है, तीन ऑपरेंड्स को लेता है। गो टू स्टेटमेंट पढ़ेंगे, गो टू स्टेटमेंट क्या करती है, डायरेक्ट ही किसी स्टेटमेंट में छलांग लगा देती है। फर्ज किया है कि मैं यहां पे तरतीब के साथ प्रोग्राम अपना चला रहा हूं, मैं कहता हूं इस लाइन से मैंने डायरेक्ट ही इस लाइन पे जंप करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं गो टू स्टेटमेंट यूज करूंगा। बाकी रह गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं, देखें दो कंडीशंस को मिलाने के लिए, एक से ज्यादा कंडीशंस को इकट्ठा करने के लिए। फर्ज किया देखें, मैं आपको कहता हूं कि ये देता है, अगर इस तरह कि अगर एक्स दो से बड़ा भी है या फिर एक्स ग्रेटर देन हो जाए, एक्स ग्रेटर देन टू हो जाए या एक्स लेस देन माइनस फाइव हो जाए, एक्स ग्रेटर देन टू हो जाए या एक्स लेस देन माइनस फाइव हो जाए, तो उस वक्त कोई चीज चले, ठीक है। अगर मैं कहूं कि कोई नंबर जो टू से भी बड़ा हो, सेवन से भी बड़ा हो, उस वक्त चले, तो ये कंडीशंस को मिलाती है। तो नहीं समझ लगी होगी, रियल लाइफ एग्जाम्पल एक पकड़ते हैं वहां से समझ आएगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल इस तरह है कि फर्ज किया मेरे पास दो बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं उन बच्चों को कहता हूं एक का नाम अहमद एक का अली, ठीक है। मैं कहता हूं अगर अहमद भी आए और अली भी आए, मैं फिर पढ़ाऊंगा, तो दो कंडीशंस होंगे, एक ये कि अहमद भी आए, एक कंडीशन और अली भी आए। तो ये जो और वर्ड यूज कर रहा हूं ना, एंड ए एंड डी, इसको लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाएगा, जो कि दो कंडीशंस को मिला रहा है, ठीक है। और मैंने कहा है कि दोनों आए, यानी कि ये भी आए और ये भी आए, तो अगर कोई एक आया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि दोनों आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई भी नहीं आया तो फिर भी नहीं मैं पढ़ाऊंगा, अगर दोनों आएंगे तो फिर उस वक्त। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा, यानी कि दोनों आएंगे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, उस वक्त मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर होता है आर ऑपरेटर, या मैं कहता हूं मेरे पास अली आए पढ़ने के लिए,
या अहमद आए, कोई एक भी आ जाए तो मैं उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो या में क्या, तो या में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आता है, ठीक है। दो कंडीशंस को मिलाता है या दो से ज्यादा भी मिला सकता है, कोई एक भी उनमें से ट्रू हो जाए तो ऑड ऑपरेटर यानी कि ओ आर, ऑड ऑपरेटर या वाला ऑपरेटर जो है वो कंडीशन को ट्रू कर देता है, ठीक है, होल कंडीशन को ट्रू कर देता है। मैं कहता हूं अली आ गया, तो मैंने कहा था या अली आ जाए या अहमद मैं पढ़ा दूंगा, तो अली आ गया, एक ही ट्रू हो गया, दूसरा ना आए तो ना आए तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। अहमद आ गया, अली नहीं आया, मैं क्या करूं उसको, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू हो गई, मैं सारा ट्रू कर दूंगा यानी कि मैं पढ़ाऊंगा। दोनों आ गए हैं तो ये तो और अच्छा काम हो गया, मैं दोनों को पढ़ा दूंगा। अगर कोई भी नहीं आया यानी कि दोनों फॉल्स होंगे तो उस वक्त फिर ये नहीं चलेगा। ये हमारे पास दो हो गए, एक एंड एक आर, एक नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि मैं बहानेबाज हूं, मैं कहूं कि अगर बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे मैं तो उन्हें नहीं पढ़ाऊंगा, अगर नहीं पढ़ने आएंगे तो उन्हें मैं कहूंगा कि मैं पढ़ाऊंगा। देखें एग्जाम्पल यह, मेरे पास बच्चे पढ़ने आए हैं तो मैं कई बहाने बनाए जाऊं, नहीं यार आज नहीं मैंने पढ़ाना, आज नहीं मैंने पढ़ाना, लेकिन फर्ज किया कि उन्होंने आज छुट्टी की थी, कल आए थे, तो मैं उनको कहूंगा कि यार मैंने कल पढ़ाना था, आप लोग आए नहीं। तो ये क्या करता है, अगर कंडीशन यानी कि ओवरऑल आंसर ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स आ रहा है आंसर तो उसको ओवरऑल ट्रू कर देगा, ठीक है। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि पूरे चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा। चलिए आइए हम नेक्स्ट अपनी पहली चीज पर चलते हैं, ठीक है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखें ये चीजें, सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसमें स्टेटमेंट्स एक सीक्वेंस में चलती हैं, कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं की जाती, ठीक है, और कोई भी स्टेटमेंट दो दफा नहीं चलती। सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसे कंडीशनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आता है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन की बिना पे स्टेटमेंट्स चलती हैं, ठीक है। इफ में क्या होता है कि अगर कंडीशन ट्रू है चल जाएगी, कंडीशन फॉल्स है कुछ भी नहीं होगा। इफ एल्स में क्या होता है, कंडीशन ट्रू है फिर भी स्टेटमेंट चलेंगी, अगर फॉल्स है तो फिर उसके लिए भी चलेंगे। इफ एल्स में, इफ में क्या होता है, मल्टीपल इफ एल्स में एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए उसको उसके आगे वाली स्टेटमेंट चला देगा, बाकी को स्किप कर देगा। अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला केस चला देगा, ठीक है। और बाकी हाँ ये सिंपल ही है इसमें। तो रेपिटेशन में क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लूप, यानी कि इसमें वाइल डू वाइल और फॉर लूप यूज होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक रिपीट करी जाओ जब तक कि कंडीशन ट्रू रहे, ठीक है, या फॉल्स रहे, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में क्या होता है कि फंक्शन कॉल का एक ऑपरेशन होता है, इस पे जाके वो दोबारा फंक्शन पे चले जाता है, ये सारे ब्लॉक को चलाएगा, चलाने के बाद फिर वापस आएगा, वापस आने के बाद काम करेगा। यानी कि जब फंक्शन कॉल किया जाएगा ना तो वो फंक्शन वाले ब्लॉक में चला जाएगा, उससे स्टेटमेंट्स को चलाएगा, फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, यानी कि बड़ी प्रोग्रामिंग हो ना तो उसके छोटे छोटे हिस्से बना लिए जाते हैं। देखें एक काम तो ये है कि अगर हमने कैलकुलेटर बनाना है तो सारे यहाँ पे जमा नफी तफरी सभी का यहाँ पे एक ही प्रोग्राम लिख दूँ, लेकिन अगर कोई एरर आएगी तो मुझे ढूंढना मुश्किल होगा ना। तो इसका सिंपल वे क्या है कि इस प्रोग्राम को मैं चार फंक्शन में डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे चार चीजें बस लिखूंगा फंक्शन कॉल की, ठीक है ना। इसके लिए प्लस का लहदा मैं फंक्शन यहाँ पे इसकी कोडिंग लहदा करूंगा, इसकी कोडिंग लहदा करूंगा, इसकी कोडिंग लहदा करूंगा, ठीक है, इसकी कोडिंग लहदा करूंगा। देखें जब ये हमारे पास कंट्रोल आएगा तो यहां पे आने के बाद यहां पे सारी स्टेटमेंट चला के वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर अगली स्टेटमेंट यहां पे आएगा, यहां से सारी स्टेटमेंट चलाने के बाद वापस, इस तरह हमारा जो है वो इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं, अरेंज करना, पता नहीं मुझे याद भूल गया, दो तरह की थी प्रोग्रामिंग, एक यानी कि जिसमें मॉड्यूल बनाए जाते थे वो नाम भूल गया। चलें जी ये देखें, वैसे इसमें एरर ढूंढना भी आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें रिलेशनल ऑपरेटर पे, यही आपको बता दिया, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये देखें ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू इक्वल टू, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये सारा बताया हुआ है। ये उन्होंने बताया कि ट्रू किसका आंसर आएगा, फॉल्स किसका आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देखें पाँच इक्वल नहीं है पाँच के, ये बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि पाँच तो इक्वल होता है ना पाँच के, वन इक्वल नहीं है टू के, हाँ जी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वन बराबर नहीं होता टू के, इस तरह ये स्टेटमेंट चलेंगे। इफ स्टेटमेंट बता दिया है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होगा, ये सारा हम चलते हैं। प्रोग्राम नंबर वन है, राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ मार्क्स आर 40 आर मोर। तो इस प्रोग्राम्स को चले जी, पहला प्रोग्राम मैं समझाता हूँ, इससे आगे फिर हम चलेंगे, उम्मीद है अच्छे से समझ आएगी। प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले तो यहाँ पे लिखें कि हमने लिखना क्या है, ठीक है, हमने कौन सा प्रोग्राम लिखना है, हमने कौन सा प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे लिखने लगा हूँ प्रोग्राम लिखना है हमने, प्रोग्राम नंबर 5.1 है, ठीक है। प्रोग्राम डेट है इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्लेस, और स्क्रीन पे हमें दिखाए कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, कंग्रेचुलेशंस
यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 आर मोर। स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए, वो क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि मार्क्स को इनपुट करवाए। ठीक है, मार्क्स को इनपुट करवाना है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रोग्राम का एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है, तो पहले प्रोग्राम को हम डिटेल से करेंगे, आगे वाले प्रोग्राम देखिएगा खुद ब खुद होंगे। ठीक है, हर एक का एक मेन फंक्शन होता है, ये मैं मेन फंक्शन लिखने लगा हूँ, वाइड मेन, छोटे स्पेलिंग लिखने हैं। प्री डिफाइंड चीज जो भी होगी, पहले आप देख लें प्रोग्रामिंग में सारे छोटे वर्ड्स आएंगे, जहां पे ग्रेटर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वहां पे कोई कॉन्स्टेंट यूज होता होगा, ठीक है, या वेरिएबल नाम होगा। बाकी प्री डिफाइंड जो भी चीजें यूज करें आपने सारे छोटे लेटर यूज करने हैं। ठीक है, वाइड मेन मेन फंक्शन आ गया, और मेन फंक्शन के एंड पे सेमीकॉलन नहीं आता। ठीक है, ये मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वो कहता है इनपुट मार्क्स, तो पहले आप चार चीजें समझ लें, सारे प्रोग्राम आसान हो जाएंगे। कौन सी? हर एक प्रोग्राम में चार बेसिक चीजें होंगी, डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कोई भी चीज जो है, जाहिर सी बात है इनपुट देंगे उस पर प्रोसेसिंग होगी, आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तीन चीजें ये हो गई। डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, वेरिएबल्स वगैरह, उनको पहले बताया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि ये चीजें क्या है, किस डेटा टाइप की है। ठीक हो गया, ये चार चीजें होंगी। इनपुट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा, आउटपुट करना भी सिखा दूंगा, डिक्लेयर करना भी सिखा दूंगा। सारा काम जो है ना वो प्रोसेसिंग पे आता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आप सारे प्रोग्राम इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया मैं आपको कहूं कि यहां पे आपने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, आपको फार्मूला ही नहीं आता, तो आप कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं? ठीक है, और अगर फर्ज किया कोई फार्मूला आता है, उसके लिए 10 लाइन का कोड है, तो आप 10 लाइन का लिखें, 20 लाइन का कोड है, 20 लाइन का लिखें। सही है, प्रोसेसिंग आपके जहन पर डिपेंड करती है कि आप उस चीज को कैसे लेके जाते हैं। रट्टे वाला सिस्टम नहीं कह रहा, क्या कह रहा हूं, डिक्लेयर करना भी सिखाऊंगा, इनपुट आउटपुट भी सिखाऊंगा। हर एक प्रोग्राम में ये चीजें सेम है, प्रोसेसिंग आप पे डिपेंड करेगी। अगर आपको फार्मूला आता है, पता है क्या चीज कैसे करूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामर किसे कहते हैं? उसको कहते हैं ना मसले को हल करने वाले को। प्रोग्राम किस लिए लिखे जाते हैं? मसले को हल करने के लिए। मेरा मसला क्या है? ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। अगर उसका मुझे फार्मूला ही नहीं आता, तो मैं मसले को कैसे हल करूं? ठीक है, तो सारा काम प्रोसेसिंग का है, प्रोसेसिंग आपके माइंड पे डिपेंड करेगी। आपको फार्मूलाज आना चाहिए, आपको टेक्निक्स आनी चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, वो कहता है इनपुट मार्क्स, मार्क्स को इनपुट करना है। ठीक है, तो मार्क्स को इनपुट करना है, तो इनपुट करूंगा तो मैं मार्क्स की वैल्यू किसी वेरिएबल में रखवाऊंगा, तो पहले वो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने लगा हूं। ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल नाम रख लिया। अब इस वेरिएबल कोई भी नाम रख सकते हैं, आप एम भी रख सकते हैं, मैंने मार्क्स रख लिया। अब ये वेरिएबल में किस किस्म का डाटा होगा, तो मैं कहता हूं इंटीजर डाटा होगा, तो मैंने इंट टाइप का ये मार्क्स ले लिया। ठीक है, अब ये देखें कि मैं इनपुट हर एक प्रोग्राम में इनपुट सी इन की मदद से करवाऊंगा, तो सी इन के आगे ये वाली ब्रैकेट्स, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये मैंने सीन के आगे ये ब्रैकेट्स लगा दी, अब मार्क्स लिख दूंगा, तो इसका मतलब है कि मेरा जो डाटा मैंने इनपुट किया है वो कहां पे चला जाएगा, मार्क्स में इन हो जाएगा डाटा। ठीक है, यानी कि यहां पे इनपुट दे दी जाएगी मार्क्स में। अब मैं चाहता हूं स्क्रीन पे शो भी हो, तो स्क्रीन पे क्या शो हो, स्क्रीन पे शो होना चाहिए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ट, कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ट। तो यहां पे देखें, तो डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज लिख दें वो स्क्रीन पे टू द पॉइंट शो हो जाएगी। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं सी आउट यूज करते हुए लिखूंगा कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस यू हैव, यू हैव पास्ट। अब सी इन के आगे हमेशा वेरिएबल नेम आया करेगा, क्योंकि वैल्यू हम हमेशा वेरिएबल में रखवाते हैं। लेकिन सी आउट दो चीजों के लिए यूज होता है, सी आउट दो चीजों के लिए यूज होगा। किन दो चीजों के लिए? एक ये कि कोई भी मैसेज टू द पॉइंट स्क्रीन पे दिखाना हो तो उसको डबल कोटेशन में लिख दें, और अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे दिखानी हो तो फिर उसको उसका नेम लिख दें। सी आउट दो तरह से यूज होगा, जो चीजें बता रहा हूं वो सारी लिखी जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स के, सी आउट दो काम के लिए यूज होगा। जो मैसेज मैंने लिखा है अगर वो डबल कोटेशन में है तो टू द पॉइंट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सी आउट में वेरिएबल का नाम लिखूं तो उस वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे नजर आएगी। अगर वेरिएबल का नाम लिखूंगा वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पर नजर आएगी, अगर डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिखूंगा वो टू द पॉइंट स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, यहां से मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब ये देखें, ये टू द पॉइंट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इनपुट भी हो गई, ये भी हो गई। अब मैं क्या कर देता हूं, बस जी मेरे मेन फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई बस। अब वो कहता है यहां तक हमारा काम हो गया कंप्लीट, यहां तक काम कंप्लीट हो गया। अब वो कहता है कि ये चीज उस वक्त नजर आए इफ द मार्क्स आर 40 आर मोर।
अगर नंबर 40 या 40 से ज्यादा है तो कंडीशन लग जाएगी कि अगर मार्क्स जो है वो 40 या 40 से ज्यादा है, ज्यादा हो या बराबर हो किससे 40 के, तो उस वक्त ये चीज नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया बस। हाँ बस इतना ही। अब देखिए मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करेंगे Alt F9 से, कंपाइल किया दो एडिट्स आ गए। वो कहते हैं कि हमें सीन सी आउट का नहीं पता ये क्या है। हाँ जी बिल्कुल, हमें नहीं पता सीन सी आउट क्या है, तो पहले हम अपने कंपाइलर को बताएंगे सीन सी आउट क्या होता है। कैसे बताएंगे? कंपाइलर को एक फाइल देंगे जिस फाइल में लिखा है सीन सी आउट क्या होता है। वो फाइल कौन सी है? वो फाइल iostream.h है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, तो उस फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करूंगा और वो है हैश शार्प सिंबल इंक्लूड और ये आ जाएगा iostream.h। ठीक है, iostream.h। तो ये मैंने इनकी हेडर फाइल इंक्लूड करवा दी। अब कंपाइलर को पता चल गया सीन सी आउट क्या होता है, अब वो एडिट नहीं देखा। तो ये देखे मैंने कंपाइल किया Alt F9 से, कोई एडिट नहीं आया। ये मैंने अब मैं रन करने लगा हूं कंट्रोल F9 से, देखें यहां से मैं रन करता हूं। ये मैंने रन किया, जब मैं रन करूंगा इसको तो वो पूछ रहा है, इनपुट पूछ रहा है कि मुझे वैल्यू दो। कोई सीन लगाया था ना वो वाला, फर्ज किया मैंने 45 वैल्यू दे दी, कुछ भी नहीं नजर आया, कुछ भी नहीं नजर आया। देखें अगर मैंने अपना आंसर देखना है, ये मैं विंडो के बटन पे जाऊंगा तो विंडो का बटन यहां पे नहीं चल रहा क्योंकि माउस यहां पे कर देता होता है खराबी जब हम रन करते हैं। तो मैं यहां पे डायरेक्ट जाने के लिए विंडो स्क्रीन कैसे आती थी, Alt F5। ठीक है, तो Alt F5 दिखाऊंगा। देखें स्क्रीन पे शो हुआ है कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ट। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने Alt F5 नहीं दबाना करना, मैं क्या करता हूं, मैं गेट सी एच यूज कर लूंगा। गेट सी एच होता है कि मेरी स्क्रीन उस वक्त तक नजर आए जब तक कि मैं कोई करेक्टर ना इनपुट कर दूं। ठीक है, ये सारी एक स्टेटमेंट को बता रहा हूं। गेट सी एच मैंने क्यों यूज किया, इस वजह से मैंने यूज किया गेट सी एच ताकि मेरी यूजर स्क्रीन जिस पे मुझे आंसर नजर आता है वो उस वक्त तक नजर आती रहे जब तक कि कोई मैं करेक्टर ना इनपुट कर दूं, गेट करेक्टर करेक्टर ना इनपुट कर दूं। ठीक है, तो ये देखे मैंने दोबारा कंपाइल किया, एक एरर आ गई। क्या एरर आ गई? उसने कहा है कि आपने गेट सी एच यूज तो कर लिया है लेकिन इसकी टाइप के बारे में हमें नहीं पता। तो इसकी टाइप के बारे में कैसे बताते हैं? तो उसके लिए भी एक हेडर फाइल होगी जो कि मैं यहाँ पे पहले इंक्लूड करवाऊंगा। तो यहाँ पे आ गया शार्प सिंबल इंक्लूड, इसकी हेडर फाइल conio.h होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कंसोलिंग इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये मैंने अब कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई। ये मैंने रन किया तो वो वैल्यू मुझसे पूछ रहा है कि आप वैल्यू दें। दोबारा मैंने 45 वैल्यू दी तो वो दोबारा स्क्रीन पे मैसेज शो हो गया। अब देखें ये हमें विंडो स्क्रीन अभी भी नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि गेट सी एच कह रहा है कि कोई करेक्टर इनपुट करो तो मैं वापस जाऊंगा। ठीक है, करेक्टर मैं इनपुट कर देता हूं, ये मैंने इनपुट कर दिया। ठीक है, वापस आ गया, दोबारा कंपाइल किया Alt F9 से, कोई एरर नहीं आई। दोबारा रन किया Alt कंट्रोल, ये देखें वापस मुझे वही रिजल्ट बार बार पीछे वाले शो हो रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि पीछे वाले रिजल्ट मुझे ना शो हुआ करें तो उसके लिए मैं यहां पर क्लियर स्क्रीन यूज करूंगा। क्या चीज? क्लियर स्क्रीन यूज करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लियर स्क्रीन यूज करने लगा। तो क्लियर स्क्रीन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बार बार मुझे पीछे वाले रिजल्ट ना नजर आए करें। ठीक है, क्लियर स्क्रीन, तो ये मैंने यूज कर लिया। ये Alt F9 कंट्रोल F9, ये पूछ रहा है मुझे वैल्यू दो, 45 वैल्यू दी, वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन यू हैव पास्ट। अब देखिए मैं कहता हूं कि हाँ मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं कहता हूं कि वो पहले मुझे पूछे भी कि मार्क्स एंटर करो, स्क्रीन पर यह नजर भी ये चीज भी नजर आए कि पहले वैल्यू एंटर करो। तो इसके लिए मैं यहां पर सी आउट लगा दूंगा प्रोग्राम को मजीद असर अच्छा बनाने के लिए कि एंटर द मार्क्स। ठीक है, एंटर द मार्क्स, अब ये देखें मार्क्स को एंटर करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएंगे। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया, तो ये देखिए अब वो पूछ रहा है एंटर द मार्क्स। ये सी इनके ऊपर वाला सी आउट जो है वो चल रहा है। तो फर्ज किया मैंने वैल्यू 34 दी तो अब ये स्क्रीन पर कोई चीज नजर नहीं आई। क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि इफ यूज कर रहा हूं, इफ में मैंने बताया था कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई चीज नजर नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि फॉल्स पे कोई स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो कोई भी नहीं चल रही। तो इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए हम फिर इफ एल्स का यूज करेंगे। ठीक है, पहले आप ये देखें जब मैं 40 से ज्यादा मार्क्स दे रहा हूं तो उस वक्त मैसेज शो हो रहा है, लेकिन दोबारा मैं कंपाइल करके रन करता हूं तो उस वक्त जब मैं 40 से कम दूं तो कोई मैसेज स्क्रीन पर शो नहीं होता। तो इस कमी को पूरी करने के लिए मैं इफ एल्स यूज करूंगा। इफ लग गया है, एल्स में मैं सिंपल लिख दूंगा। एल्स में क्या लिखूंगा? एल्स में मैं सिंपल लिख दूंगा कि else का मतलब क्या होगा, जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो। ठीक है, तो इसमें मैं लिख दूंगा फेल। ठीक है, इसमें मैं लिख दूंगा फेल, तो ये मैंने फेल लिख दिया। अब ये उसकी कमी को इसने पूरा किया, कंपाइल किया, मैंने रन किया। अब देखिए अगर मार्क्स जहां 40 से कम आएंगे तो स्क्रीन पे शो भी हुआ करेगा क्या, फेल। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ इस पूरे प्रोग्राम की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स देखते हैं। तो एक मिनट, मैं प्रोग्राम यहां से ओपन कर लेता हूं और अब देखें कि
नेक्स्ट प्रोग्राम वो कहता है राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि कहाँ गया, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि दो नंबर्स को इनपुट करें एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल आर नॉट। कहता है अब देखें, अब ये वाली चीज़ें मैं रेज करने लगा हूँ और यहाँ पे ये वाली हर एक किसी में आया करेगी, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे मैं रेज कर देता हूँ। क्लियर स्क्रीन और गेट सी तो सभी में आएगा ना, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो बाकी क्या चीज़ अब यूज़ करूँगा, डिक्लेरेशन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम के हम स्टेटमेंट लिखते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि हमने वीडियो छोटी से छोटी करने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोग्राम डेट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर बोथ आर इक्वल, ठीक है। अब मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो चेक करे दोनों नंबर इक्वल है कि नहीं। अब इनपुट टू नंबर्स क्या आ रहा है, तो मैं दो नंबर्स लूंगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा इंट ए और बी, ये मैंने दो नंबर्स ले लिए। अब इनकी इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखे मैंने ए ए और इनपुट के लिए मैं बी यूज करूंगा, तो ये मैंने बी यूज कर लिया, दो नंबर्स की इनपुट भी हो गई। फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल है कि नहीं, तो अगर कहते हैं चेक करें वो दोनों इक्वल है कि नहीं, तो अगर इक्वल हुए तो स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, स्क्रीन पे यही नजर आएगा ना कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ठीक है। जब दोनों इक्वल होंगे तो ये मैसेज कब नजर आएगा, ये मैसेज उस वक्त नजर आएगा अगर दोनों नंबर्स इक्वल हुए, यानी कि अगर ए बराबर हुआ बी के, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल, ठीक है ना। इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं आएगा, ये मैंने कंपाइल किया कोई ना नहीं, रन किया तो पहली देखे वैल्यू मैंने 23 लिखी, दूसरी वैल्यू मैंने 34 लिखी, कोई मैसेज शो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। दोबारा कंपाइल करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, अब देखें मैंने 12 दी पहली वैल्यू, दूसरी भी 12 दूंगा, तो दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए देखिए मैं क्या करता, इसको थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा सी आउट, यानी कि पहले मैं लिख दूंगा एंटर टू वैल्यूज, एंटर टू नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। देखें जी अब थोड़ा सा प्यारा प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है, ये प्यारा बन गया। अब वो पहले हमसे पूछेगा भी एंटर टू नंबर्स, ठीक है। पहले 34 दिया, ये दे दिया, दोनों बराबर नहीं है, कुछ भी शो नहीं होगा। कंपाइल किया, रन किया, तो ये अब देखें 23 दिया, अगेन 23, बोथ आर इक्वल। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझसे लादा लादा पूछे, मैं मजीद अच्छा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, तो मैं इनकी इनपुट को लादा लादा कर दूंगा। देखें तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दोबारा सी आउट, सी आउट एंटर द सेकेंड नंबर, यहाँ पर लिख दूंगा एंटर, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, एंटर द सेकेंड नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा सीन। अब बी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, बी की वैल्यू, और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको कर देता हूँ एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये देखिए एक ही प्रोग्राम को करने के कितने वेज है, तो मैंने कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, वो कह रहा है कि पहला नंबर एंटर करें 34, दूसरा नंबर एंटर करें 34, बोथ आर इक्वल, ठीक है, प्रोग्राम बन गया। अब आप चाहें ना तो इस वाली स्टेटमेंट को इससे पहले यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये देखें कंपाइल किया, रन किया, तो ये आ गया 23, बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नए प्रोग्राम पे। अब ये प्रोग्राम देखें, स्टेटमेंट पढ़ें, वो कह रहा है प्रोग्राम डैट इनपुट्स टू नंबर्स, दो नंबर इनपुट करने हैं, तो इंट ए कोमा बी, जल्दी जल्दी मैं लिख दिया करूंगा, ठीक है, अब ए कोमा बी, और वो कह रहा है तो इनपुट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं सी आउट लगा के मैं कह दूंगा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये सारी चीज प्रोसेसिंग देखें ना, इनपुट वैसी ही रहेगी हर किसी में, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्या सी इन ए की वैल्यू, ए में इनपुट हो, और यहाँ पर सी आउट में लिख दूंगा, सी आउट में यहाँ पे लिख दूंगा, जितना जल्दी चले उतना लेट होता है, एंटर द सेकंड नंबर, ठीक है, एंटर द सेकंड नंबर, यहाँ पे सेकंड नंबर की इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे सेकंड नंबर में इनपुट करवा दूंगा, ठीक हो गया। और फिर वो कहता है फाइंड इफ सेकंड नंबर इज अ स्केयर ऑफ फर्स्ट नंबर, चेक करें कि पहला जो है वो दूसरे का स्केयर हो। सेकेंड नंबर इज द स्केयर ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का स्केयर जो है वो सेकेंड हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट में हम पहले लिख देंगे, स्क्रीन पे क्या शो हो, स्क्रीन पे ये शो हो सेकेंड नंबर, स्क्रीन पे शो हो सेकेंड नंबर इज द स्केयर ऑफ, इज द स्केयर ऑफ, स्केयर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये स्क्रीन पे शो हो, ऊपर स्टेटमेंट में सारा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये देखें ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ये स्क्रीन पे कब शो होगा, जब सेकंड नंबर जो है, जब सेकंड नंबर पहले का स्केयर है, पहले का स्केयर दूसरा नंबर है, पहले का स्केयर, तो पहले का स्केयर यानी कि पहला दो दफा मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले के इक्वल हो, ठीक है। तो ये हमारा लग गया, ये मैंने कंपाइल किया कोई ऐड नहीं, रन किया, ठीक है। पहला अगर मैं 23 देता हूँ, दूसरा ये देता हूँ, पहले का स्केयर दूसरे के इक्वल नहीं, कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने दोबारा रन किया, पहला 5 दे 3 दे दिया, तो पहले का स्केयर दूसरा बनाता हूँ, देखें इंटर फर्स्ट नंबर,
सेकंड नंबर में नाइन देता, तो पहले देखें थ्री है, थ्री का स्केयर नाइन होता है, हाँ जी होता है, तो लिख दिया गया सेकंड नंबर जो है वो पहले वाले का स्केयर है, यानी कि पहले थ्री का स्केयर नाइन हो गया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। अब ये हमारे पास प्रोग्राम में कहता है प्रोग्राम लिखना है डेट इनपुट थ्री सब्जेक्ट्स, द मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करने हैं। इफ द एवरेज ऑफ मार्क्स, अगर उनकी एवरेज मोर देन 90 हुई, 90 से ज्यादा हुई तो 80 आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, तो 80 मोर देन, ठीक है, मोर देन 80, अगर 80 से ज्यादा हुई तो दो मैसेज स्क्रीन पे शो हो, कौन कौन से, यू आर अबव स्टैंडर्ड एंड एडमिशन गारंटी। ठीक है, तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि तीन मार्क्स की इनपुट, तो इनपुट आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इतनी देर से मैं अलग अलग ही कर रहा हूँ, आप जैसे मर्जी करें। अब मैं इकट्ठी कर दूंगा, ठीक है, इकट्ठी कैसे करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट मार्क्स, ये मैंने वेरिएबल मार्क्स वन, ठीक है, मार्क टू, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क, मार्क थ्री कर लें, या आप इस तरह कर लेंगे सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री के, तो सब्जेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट के लिए एस यूज कर लें, पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, सब्जेक्ट टू कर लें और यहाँ पे हम सब्जेक्ट वन कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, इनमें इनपुट करूंगा, तो इनपुट के लिए मैं एक में ही करने लगा हूँ। ठीक है, लादा लादा कैसे करने हैं ये मैंने आपको पीछे डिटेल से पहले दो प्रोग्राम्स में बता दिया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा एंटर द मार्क्स ऑफ थ्री सब्जेक्ट्स, ठीक है, थ्री सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे मार्क्स जो है वो एंटर होंगे। ठीक है, और देखिए मैं कहता हूँ कि मार्क्स जो है वो न्यू लाइन पे आए, ठीक है, मार्क्स जो है वो न्यू लाइन पे आए, तो न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन का यूज किया जाता है। ठीक है, बैक स्लैश एन दोबारा बता रहा हूँ, न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन यूज किया करूंगा, दोबारा बता रहा हूँ, बैक स्लैश एन किसके लिए, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे सीन क्या आ जाएगा, सीन ए की वैल्यू, ए नहीं एस वन की वैल्यू पहले सब्जेक्ट में, फिर सब्जेक्ट नंबर टू में वैल्यू एंटर होगी, फिर सब्जेक्ट नंबर थ्री में वैल्यू एंटर होगी। ठीक है, तीन वेरिएबल्स। अब वो क्या कहता है, इनकी एवरेज फाइंड करें, और अगर एवरेज 80 से ज्यादा हुई तो पहले एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा एवीजी। ठीक है ना, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, कौन सा, एवीजी लेता हूँ। अब मुझे पता चलता है कि एवरेज जो है वो इशारिये वाली भी हो सकती है, तो एवरेज तो इशारिये वाली भी हो सकती है, तो फिर मैं यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लूंगा, यानी कि फ्लोट जो है वो डाटा टाइप लूंगा। फ्लोट का मतलब होता है इशारिये वाले, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट वाले, तो फ्लोटिंग पॉइंट वाला मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसे एवीजी का नाम दिया, तो एवीजी किसके इक्वल होगा, एवीजी इक्वल होगा, एवीजी हमारा इक्वल होगा, तमाम सब्जेक्ट को प्लस कर दें और उनकी उनको थ्री से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाती होती है। तमाम सब्जेक्ट को ऐड करूंगा और डिवाइड करूंगा किससे, थ्री से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ये एवरेज का फार्मूला लगा दिया, तो अब स्क्रीन पे एवरेज दिखाने के लिए मैं ये सी आउट लगा दूंगा, मैं कहूंगा द वैल्यू ऑफ एवरेज इज, द वैल्यू ऑफ एवरेज इज, एवरेज की वैल्यू कितनी है, तो एवरेज की वैल्यू दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि सी आउट में अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू दिखानी है तो उसका नाम लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, तो अगर एवरेज 80 से ज्यादा हुई तो मैसेज शो होंगे, तो अगर एवरेज जो है एवीजी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुई, बड़ी हो सिर्फ, इक्वल नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन किससे हुई, 80 से हुई, देन स्क्रीन पे शो हो, देन स्क्रीन पे क्या शो हो, तो सी आउट स्क्रीन पे दो मैसेज शो हो, कौन कौन से, एक यू आर अबव स्टैंडर्ड, तो ये आ जाएगा यू आर अबव स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, और दूसरा मैसेज क्या हो, एंड एडमिशन ग्रांटेड। ठीक है, तो एडमिशन ग्रांटेड न्यू लाइन पे शो करवाने के लिए मैं बैक स्लैश एन यूज कर लूंगा, तो बैक स्लैश एन न्यू लाइन पे शो होगा क्या, एडमिशन ग्रांटेड, तो आ जाएगा एडमिशन ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास हमारे मैसेज शो हो गए, और यहाँ पे सेमी कॉलन आ जाएगा एंड पे, तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम बन गया। कंपाइल किया, रन किया, तीन सब्जेक्ट के मार्क्स, पहले के 12, दूसरे के मैं 32, तीसरे का मैं 43 देता हूँ, तीनों मार्क्स की एवरेज जो है वो 29 आ रही है, तो कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। दोबारा मैंने कंपाइल किया, दोबारा मैंने डन कर दिया, अब देखिए एक 12, एक मैंने 545 और एक 32, अब एवरेज कितनी आई, 196 एवरेज आई, तो दो मैसेज स्क्रीन पे शो हो गए, यू आर अबव स्टैंडर्ड, एडमिशन ग्रांटेड। अब 96 के बाद मुझे चाहिए कि न्यू लाइन भी आए, यानी कि यू से पहले न्यू लाइन आनी चाहिए, तो यू से पहले न्यू लाइन के लिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे बैक स्लैश एन लगा देता हूँ, ठीक है, यू से पहले, तो ये आ जाएगा कंपाइल, ये रन, अब ये देखें 23 मार्क्स, ये वाले मार्क्स और ये लगा दिए, तो द वैल्यू ऑफ एवरेज, एवरेज की वैल्यू 133 आई, जो कि 80 से ज्यादा थी, यू आर अबव स्टैंडर्ड, एडमिशन ग्रांटेड। ठीक है, तो आप जिस तरह मर्जी करें, आप सब्जेक्ट की वैल्यू अलग अलग भी एंटर कर सकते हैं, मैंने पीछे प्रोग्राम्स में बताया था। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। अब ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, वो कहता है प्रोग्राम लिखें डैट इनपुट थ्री नंबर्स, जो कि तीन नंबर्स को इनपुट ले, तो एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, उनमें से जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको डिस्प्ले करवाए, तो तीन नंबर्स की इनपुट इकट्ठी भी करवा सकते हैं, अलग अलग भी, आपकी बुक पे अलग अलग करवाई हुई है, हम इकट्ठी करवा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, वीडियो छोटी बनानी है ना, इस वजह से, तो इंट में तीन नंबर्स ले लिए ए बी सी, ठीक है ना, तो इकट्ठी इनपुट करवाने के लिए मैं सी आउट में लगा दूंगा एंटर द थ्री नंबर्स, मैं कहता हूँ तीन नंबर्स को एंटर करें। ठीक हो गया, और यहाँ पे सी इन, ठीक है, सीन में लगा दूंगा, कौन कौन सा, सीन में मैं लगा दूंगा
पहले ए में मार्क्स रखवाऊँ, ए में वैल्यू, फिर बी में, फिर सी में, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ, इसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि नंबर जो है वो न्यू लाइन पे हम एंटर करें, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट देखें, वो कहता है कि हमने मैक्सिमम नंबर जो है वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, किसको, मैक्सिमम नंबर को। तो देखें, तो अब ये प्रोग्राम मैं समझाने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि दो नंबर्स, ठीक है, अपने से पहले मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे मैं दो नंबर ले लेता हूँ पहले ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आ सके। आपको समझ आनी चाहिए ना, जिस तरह भी करें। तो फिर जब दो की समझ आ गई, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंटर टू नंबर्स, चेक करना है कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले एक और वेरिएबल में मैक्स लेता, क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे मैक्स ले लेता हूँ, ठीक है ना। एक और वेरिएबल यहाँ पे मैक्स ले लेता हूँ, यहाँ पे बी आएगा। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम को ना, ए की वैल्यू मैक्सिमम को चली जाए, ए की वैल्यू मैक्सिमम को चली जाए। अब अगर जो है वो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम जो है वो ग्रेटर देन बी हुआ, ठीक है, या अगर कह लें कि बी जो है वो मैक्सिमम से भी बड़ा हुआ, यानी कि मैक्सिमम का मतलब क्या है, ए की वैल्यू, क्योंकि ए की वैल्यू मैक्सिमम को दी है ना, बल्कि हाँ ए की वैल्यू मैक्सिमम को दी है। तो अगर मैक्सिमम से भी बड़ा बी हुआ तो स्क्रीन पे शो क्या हो जाएगा, तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, तो स्क्रीन पे क्या शो होगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि बी इज ए मैक्सिमम नंबर, यानी कि बी की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ठीक है, किसकी, बी की वैल्यू। तो बी मैक्सिमम नंबर आ जाएगा तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा कि बी इज ए मैक्सिमम नंबर। तो बी क्या है, बी, यहाँ पे बी की वैल्यू स्क्रीन पे शो हो जाएगी, बी इज, और यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो करवा दूंगा, इज ए मैक्सिमम नंबर, इज ए मैक्सिमम नंबर, ठीक है। ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया, सिंपल सा, बस सादा सा, आसान सा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा, कंपाइल किया, रन किया, तो देखें अगर मैं ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 43 दूंगा तो 43 इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। दोबारा कंपाइल किया, दोबारा रन किया, अब ए की वैल्यू अगर मैं 12 दूंगा, बी की वैल्यू 15 दूंगा तो 15 इज द मैक्सिमम नंबर। दोबारा कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, अब ए की 15 दूंगा, बी की 12 दूंगा तो वो कुछ भी स्क्रीन पे शो नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए भी स्क्रीन पे शो हो, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो इसके लिए लिखूंगा अगर जो है वो ए ही मैक्सिमम हुआ, यानी कि अगर मैं लिखूंगा इफ, अगर मैक्सिमम हुआ, यानी कि अगर मैक्सिमम बड़ा हुआ किससे, बी से, अगर मैक्सिमम बड़ा हुआ बी से तो फिर स्क्रीन पे शो हो क्या कि मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम की वैल्यू जो है तो वो मैक्सिमम है, इज ए मैक्सिमम नंबर, इज ए मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपाइल, ये मैंने रन किया, तो ये देखिए अब मैं 23 और 24 दे रहा हूँ, तो 24 इज मैक्सिमम। अब पहले 24 दूंगा तो देखिए पहले 24 दिया, फिर 23, तो 24 इज मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो ये देखिए 24 आ रहा है, अब एक वैल्यू स्क्रीन पे मैक्सिमम शो करवाई जा रही है। अब तीन नंबर्स को अगर मैंने कंपेयर करना है तो अब तीन पे चलते हैं, तीन पे नहीं, हाँ तीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं सी भी ले जाता हूँ, क्या, सी भी ले जाता हूँ, सी भी। तो जब मैं सी भी लेके आऊँगा फिर यहाँ पे आएगा एंटर थ्री नंबर्स, एंटर थ्री नंबर्स, एंटर थ्री नंबर्स। तो यहाँ पे तीन नंबर्स की इनपुट करवाऊंगा, तो तीन नंबर्स इनपुट में आ गए, और यहाँ पे करवाऊंगा कि अगर मैक्सिमम की वैल्यू ए के इक्वल है, ठीक है, किसके इक्वल है, अगर मैक्सिमम जो है ए की इक्वल है, अगर बी बड़ा हुआ मैक्सिमम को, तो अगर बी बड़ा हुआ मैक्सिमम के, अब यहाँ पे मैं सी आउट नहीं यूज करूंगा, अब यहाँ पे देखें, अब मैं इसको कैसे लेके चलूंगा, अब इसको देखिएगा, मैक्सिमम को ए की वैल्यू किसको दे दी, मैक्सिमम को, अब मैं इसको बी से कंपेयर करवाऊंगा, अगर बी ग्रेटर देन हुआ किससे, मैक्सिमम से, अगर बी ग्रेटर देन मैक्सिमम से हुआ तो मैं फिर मैक्सिमम को वैल्यू दे दूंगा बी की, ठीक है। और अगर सी जो है वो ग्रेटर देन हुआ मैक्सिमम से, ठीक है, अगर सी ग्रेटर देन, फिर मैं मैक्सिमम को सी की वैल्यू दे दूंगा, और एंड पे मैं शो करवा दूंगा क्या कि सी इज द ग्रेटर नंबर, ठीक है। यानी कि अब मैं स्क्रीन पे शो करवा दूंगा कि सी की जो वैल्यू आएगी वो इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझाता हूँ एक मिनट, बस ये देखें ना, मैं लिख लूँ पहले, क्योंकि साल लिखना भी होता है, बोलना भी होता है। देखें, तीन नंबर्स लिए हैं, एक नंबर कोई भी उठा लें वो मैक्सिमम को दे दीजिए। अब मैक्सिमम अगर यही हुआ मैक्सिमम, तो ये देखें यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम नंबर हुआ तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशन भी फाल्स हो जाएगी, ये भी फाल्स हो जाएगी, क्योंकि सबसे मैक्सिमम तो ये वाला है ना ए,
तो ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, तो मैक्सिमम की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटेस्ट नंबर शो हो जाएगा। फर्ज किया है कि बी की मैक्सिमम वैल्यू थी, तो ए को जो मैं वैल्यू दी, अब बी ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, यानी कि जो ए की वैल्यू थी उससे बड़ा आ गया है बी, उससे बड़ा आ गया है बी, तो बी की वैल्यू मैक्सिमम को चली जाएगी, ठीक है। और सी तो पहले ही छोटा है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो मैक्सिमम में जो बी की वैल्यू है वो स्क्रीन पर शो होगी। अगर फर्ज किया है कि सी की वैल्यू ग्रेटर होती तो ये ए की वैल्यू मैक्सिमम को दिया, यहाँ पे बी की वैल्यू जो है अगर छोटी होगी तो मैक्सिमम को ए की ही रहेगी, अगर बी की वैल्यू बड़ी हुई तो मैक्सिमम को बी की चला जाएगी। अब नेक्स्ट आएगा सी की वैल्यू तो बड़ी है ना, तो फिर मैक्सिमम को सी की वैल्यू चले जाएगी। यानी कि जो भी मैक्सिमम एक ऐसा वेरिएबल लिया है कि बारी बारी उसमें चेक करते जाएंगे। अगर देखिए, अब मैंने पांच नंबर अगर लेने हो, पहले ये मैं कंपाइल करके बता देता हूँ, ये मैंने कंपाइल किया तो पहली वैल्यू मैंने 23, दूसरी 42 और तीसरी 54 दी, तो ये देखिए 54 स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब मैं बड़ी वैल्यू दरमियान में दे देता हूँ 23, और ये मैंने 55 और 32, तो देखिए 55। अब मैं पांच नंबर्स को कंपेयर करवाना हो ना, तो पांच वाला भी आपकी बुक में है, ठीक है, तो वो पांच वाला आप खुद करेंगे। तो ये देखिए डी, और मैं करवा देता हूँ बल्कि डी और ई, मैंने पांच नंबर्स ले लिए, कितने पांच नंबर्स। अब मैं यहाँ पे कहूँगा एंटर द फाइव नंबर्स, एंटर द फाइव नंबर्स, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, फाइव नंबर्स की इनपुट आएगी, ठीक है, इनपुट सी भी हो गया, डी में आएगी, अब ई में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर डी जो है वो ग्रेटर देन हुआ मैक्सिमम से, ठीक है, तो फिर मैक्सिमम को डी की वैल्यू चली जाएगी। यानी कि डी एक ऐसा मैक्सिमम, एक ऐसा वेरिएबल लेके जा रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू बड़ी हुई तो कुछ भी नहीं होगा, ये बड़ी 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 चलती चलती स्क्रीन पे शो हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू, इससे भी कोई बड़ी वैल्यू आ गई तो वो वाली वैल्यू मैक्सिमम में रखवा दूंगा, ठीक है, इससे भी बड़ी वैल्यू आ गई वो भी मैक्सिमम में रखवा दूंगा, तो मैक्सिमम में बड़ी वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो इफ अगर ई जो है वो ग्रेटर देन हुआ मैक्सिमम से, तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाए किसकी, तो मैक्सिमम को चले जाए ई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये देखें, कंपाइल करवाया, ये मैंने डन करवाया, तो 40, ये देखें, अब ये 64 मैंने दो, एक 54 और एक 77, तो 77 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। कंपाइल किया, रन किया, 34, ये 55, 65 सबसे बड़ा होगा, अब देखें तो 65 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आ गई। अब बेसिक आप लोग को क्या बताना था, अब देखिए, फर्ज किया अगर कोई कंडीशन, अब ये तो इसमें कंडीशन लाजमी चलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम की समझ आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब देखें कि फर्ज किया है कि ये वाली कंडीशन चल जाती है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इज नॉट द ग्रेटेस्ट, यानी कि अब प्रोग्राम्स का बेसिक आइडिया आपको हो गया ना, तो अब हम बुक से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास प्रोग्राम आया है नेक्स्ट, वो कहता है कि एक प्रोग्राम लिखें डेट इनपुट आ नंबर, एक नंबर इनपुट करना है, ठीक है, करना आता है आपको, डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव नेगेटिव आर जीरो, और चेक करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट एक नंबर, ठीक है, ए नाम दे दिया हमने, तो सी पहले स्क्रीन पर शो हो, क्या स्क्रीन पर ये शो हो कि एंटर ए नंबर, ठीक है ना, स्क्रीन पर शो हो एंटर ए नंबर, ठीक है, तो एंटर ए नंबर, तो ये स्क्रीन पे शो होगा। अब सी इन करवाऊंगा, इनपुट करवाऊंगा किस में, ए में, ठीक है। अब वो कहता है कि चेक करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, अगर नंबर जो है जो हमने करवाया है अगर वो ग्रेटर देन किससे हुआ, जीरो से, जीरो से ग्रेटर देन हुआ तो स्क्रीन पे शो हो जाए, क्या स्क्रीन पे शो हो जाए, स्क्रीन पे शो हो जाए पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर स्क्रीन पर ये शो हो जाए, ठीक है। तो ये देखें, और अगर अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है, तो फिर स्क्रीन पर क्या शो हो जाए, स्क्रीन पर शो हो जाए द गिवन नंबर इज जीरो, द गिवन नंबर इज द या जीरो, ठीक है, नंबर इज जीरो, नंबर इज जीरो, ठीक है, ये देखें। और अगर जो है वो नंबर, इफ नंबर जो ए है वो लेस देन जीरो हुआ तो स्क्रीन पे शो हो जाए क्या, नेगेटिव नंबर, तो स्क्रीन पे शो हो जाए नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव नंबर, नंबर नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास बस हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, कंपाइल किया, तो पॉसिबली इनकरेक्ट असाइनमेंट बारहवीं स्टेटमेंट पे, हाँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, इक्वल टू आना था, रिलेशनल ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। ये मैंने कंपाइल कर दिया, ये मैंने डन कर दिया, इंटर नंबर फर्ज किया मैंने 4 किया, तो ये देखे पॉजिटिव नंबर आ रहा है, कंपाइल किया दोबारा रन किया, देखे 2 कर रहा हूँ ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, कंपाइल किया रन किया नेगेटिव 4 कर रहा हूँ तो ये बताएगा नेगेटिव नंबर है, कंपाइल किया रन किया 0 इनपुट करूँगा तो वो बताएगा कि ये क्या है 0 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम
आपकी बुक से, बुक आपके सामने होगी तो आपकी बुक में नेक्स्ट प्रोग्राम 5.7 लिखा है, ऐसा प्रोग्राम लिखे जो कि फाइनल नंबर इनपुट करे और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इनपुट करवाए, ठीक है। तो लार्जेस्ट के लिए अभी इससे पीछे वाला मैंने प्रोग्राम आपको करवाया है, 5 नंबर उनमें से सबसे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट के लिए बिल्कुल इसी तरह करना है, बस उसमें मिनिमम आ जाना है और लेस देन की कंडीशन लग जानी है। अब वो प्रोग्राम नंबर 7 आप खुद करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं, प्रोग्राम नंबर 5.8। अब ये प्रोग्राम हमें कहता है एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि एक नंबर को इनपुट करवाए एंड फाइंड वेदर इट इज इवन आर ओड, और ये बताया कि ये इवन है या ओड इफ एल्स को यूज करते हो। अब इफ एल्स का कंसेप्ट इजी है, देखें सबसे पहले क्या कहता है, इनपुट आ नंबर, ठीक है ना, एक एक चीज को लेकर चलना है, इनपुट्स नहीं आना, इनपुट आना है, इनपुट से आएगा, ठीक है, दैट इनपुट ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए, एक नंबर को इनपुट करवाने के लिए क्या करेंगे, इंट ए कर लेंगे, ठीक है, फिर हम सी आउट स्क्रीन पे शो करवाएंगे क्या, इंटर ए नंबर। तो ये देखिए सभी मैं बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। अगर मैं इतनी प्रैक्टिस समझाने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये दोबारा दोबारा ना भी लिखूँ तो मेरा काम चलता है, ठीक है, तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सीन आ जाएगा और इस ए में मैं रखूँगा, सीन ए में ये नंबर दूंगा, ठीक है। और वो कहता है कि फाइंड करना है ये इवन है या ओड, इवन ओड का हमें कहाँ से पता चलता है, कोई भी दुनिया जहाँ का नंबर ले लें, टू से डिवाइड करें, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इवन है, पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो वो ओड है, ठीक है। पूरा पूरा इन दोनों में से जो सी मर्जी कंडीशन आप पकड़ लें, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या इसको पकड़ लें, या पूरा पूरा डिवाइड ना हो तो ओड होता है, इसको पकड़ लें। तो मैं इस कंडीशन को पकड़ूंगा कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इवन है, ठीक है। तो पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब क्या है कि जब इसको डिवाइड करूंगा रिमाइंडर जीरो आएगा, बाकी बचने वाली चीज जीरो आएगी, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा, अगर मैं ए नंबर जो मैंने इनपुट दिया है उसको डिवाइड करवाऊं टू से और इसका जो रिमाइंडर आए, ये किस चीज को शो कर रहा है, बाकी बचने वाली चीज को, एक टू से डिवाइड करके जो बाकी चीज बचेगी अगर वो जीरो के इक्वल आ गई तो इसका मतलब है पूरा पूरा तकसीम कर दिया, तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाए, स्क्रीन पे शो हो जाए द गिवन नंबर इज क्या, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्रीन पे ये वाली चीज है शो हो जाएगी। बस एल्स में क्या लगा देंगे, एल्स भी यूज करना है तो एल्स में हम लगा देंगे, एल्स में मैं चीज यूज करूंगा क्या, अदरवाइज अगर वो पूरा पूरा तकसीम नहीं होता तो एल्स में स्क्रीन पे क्या शो हो जाए, उस स्क्रीन पे शो हो जाए कि वो नंबर ओड है, ठीक है, वो नंबर क्या है, वो नंबर ओड नंबर है, तो ओड नंबर है, वो ओड नंबर है। तो बस जी हमारा प्रोग्राम हो गया, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया, वो कहता है एक नंबर एंटर करें 34 पूरा पूरा तकसीम होता है, इवन आ गया, कंपाइल किया, रन किया, 30, 23 पूरा पूरा तकसीम नहीं होता, इफ वाली कंडीशन नहीं ट्रू होगी, दूसरा केस एल्स वाला चल जाएगा क्या, ओड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ पे चेंजिंग करूंगा, देखिए वो कहता है इनपुट आ नंबर, इनपुट आ नंबर की जगह यहाँ पे आ जाएगा इनपुट आ ईयर, ठीक है, इनपुट आ ईयर। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ इनपुट आ ईयर, एक हमने ईयर इनपुट करना है एंड फाइंड वेदर इज इट लीप ईयर आर नॉट यूजिंग इफ एल्स, ठीक है, एंड वेदर इट इज अ लीप ईयर आर नॉट, और ये लीप ईयर है कि नहीं इसको चेक करना। तो लीप ईयर चेक करने का क्या क्राइटेरिया होता है, इसको मैं वाई का नाम दे दूंगा, ठीक है, ईयर है ना, तो ईयर का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एंटर आ ईयर, ठीक है, एक ईयर को एंटर करूँ। तो लीप ईयर का क्राइटेरिया क्या होता है, लीप ईयर का क्राइटेरिया होता है कि अगर वो 4 से डिवाइड होता है, 400 की आप बात करें तो वैसे 4 से यहाँ पे लेके चलते हैं, अगर वो 4 पे डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर होगा। वैसे ये पूरा कंसेप्ट नहीं है, इसके पीछे और भी लॉजिक्स होती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, ये मेन सब्जेक्ट हमारा नहीं है, तो मैं मैथ में ज़्यादा एंटर नहीं होना चाहता। मैं सिंपली आप यही याद रखें कि अगर एक ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है वो क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है, ये सिंपल सा छोटी सी बात याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर में अगर 4 से पूरा पूरा तकसीम होने का मतलब क्या है, 4 से डिवाइड करवाऊंगा और पूरा पूरा तकसीम यानी कि जीरो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो मैं फिर क्या कहूंगा, मैं कहूंगा दिस ईयर इज अ लीप ईयर, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा क्या, लीप ईयर, लीप ईयर, और यहाँ पे लिखूंगा अदरवाइज अगर वो 4 पे पूरा पूरा तकसीम ना हुआ तो यहाँ पे लिखूंगा नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। तो ये मैंने कंपाइल करवाया, ये मैंने रन करवाया, कोई भी ईयर दे दो, फर्ज किया 2003 जो कि आपकी बुक में ही दिया गया है, ये दिया है नॉट ए लीप ईयर, ठीक है, 2004 देख के देखता हूँ, ठीक है, 2004 4 पे तकसीम होता है तो लीप ईयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम बुक से ही देखें, अपना मैं ये स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं लिखूंगा ऊपर, बार बार इसको चेंज करना, अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, अपनी बुक आपके अपने सामने हो। तो यहाँ पे अब जी कंटिन्यू करते हैं, बहुत हमने बेसिक हर एक चीज़ ले कर चल पड़े, अब हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बुक से स्टेटमेंट, बुक की स्टेटमेंट आपके सामने हो तो देखें, यहाँ से वो कहता है
कि राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, ग्रेड और सैलरी को इनपुट करना है, तो ये वैल्यू अशारिये वाली भी हो सकती है, अशारिये के बगैर भी हो सकती है, तो मैं अशारिये के बगैर वाली लेता हूँ, ठीक है। आप सैलरी जो है कुछ भी हो सकती है, तो इंटीजर ही ले लेते हैं, ठीक है, इंटीजर ही हम ले लेते हैं। इंटीजर की बड़ी वैल्यू लेने के लिए हम लॉन्ग इंट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बड़ी वैल्यूज हो ना सैलरी की। तो मैंने लॉन्ग इंट में ले लिया, एक सैलरी ले ली और एक उसने कहा है ग्रेड होना चाहिए, ठीक है, सैलरी ले ली और ग्रेड। वो कहता है ये मैंने दो इनपुट कर लिए। अब नेक्स्ट वो कहता है इट एड्स 50% बोनस, तो 50% बोनस ऐड करे, तो बोनस भी कोई चीज़ है ना, तो बोनस के लिए भी मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बोनस, ठीक है। तीन वेरिएबल्स मैंने ले लिए, दो उसने इनपुट करने को कहा था और तीसरी ऐड करवा रहा है। वो कहता है ये 50% बोनस ऐड करे इफ द ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, अगर वो कहता है कि ग्रेड 15 से ज्यादा हुआ तो ये 50% बोनस, सैलरी का 50% जो है मजीद ऐड करे। इट एड्स 25% बोनस इफ द ग्रेड इज 15 आर लेस, कहता है कि अगर 15 से कम ग्रेड हुआ तो वो 25% सैलरी का बोनस ऐड करे। एंड देन डिस्प्ले द टोटल सैलरी और स्क्रीन पे टोटल सैलरी शो करवाए, लास्ट स्टेटमेंट लिखी है कि स्क्रीन पे टोटल सैलरी शो करवाए, ठीक है। तो टोटल सैलरी के लिए मैं सी आउट लगा के मैं कहूँगा द वैल्यू ऑफ सैलरी इज, द वैल्यू ऑफ सैलरी इज, सैलरी इज, सैलरी की जो भी वैल्यू आएगी वो मैं लास्ट पे शो करवा दूंगा, ये लास्ट लास्ट वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है, सैलरी में जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे। उसने कहा था कि अगर इफ यानी कि इट एड्स 50%, यानी कि सैलरी का 50% ऐड करे अगर ग्रेटर देन 50 हो, ठीक है, यानी कि अगर ग्रेड जो है, उसने कहा है कि ग्रेटर देन 15 हो, अगर ग्रेड जो है वो 15 से बड़ा हो 15, तो सैलरी का, सैलरी का कितने परसेंट, तो सैलरी का, सैलरी का 15% ऐड करे, कितना, सैलरी का 15%, तो बोनस जो है उसको मैं वैल्यू दूंगा सैलरी का 15%, तो सैलरी का 50% क्या आएगा, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15%, कैसे निकालते हैं 50% ऐड करना, तो 50% यानी कि 50 divided by 100, तो 50 divided by 100 ये सैलरी का हमारे पास कितना आ गया, अब ये बोनस आ गया, बोनस किसके इक्वल आया, सैलरी का 50%, ठीक है। और अगर उसने कहा था बोनस जो है वो लेस देन इक्वल टू हो किससे, अगर ग्रेड, बल्कि बोनस तो हमने कैलकुलेट करना है, अगर ग्रेड जो है वो लेस देन इक्वल टू हो किससे, 15 से, तो उस वक्त 25% ऐड करे, तो मैं लिख दूंगा उस वक्त जो बोनस होगा वो सैलरी का 25% होगा, बोनस जो होगा वो सैलरी का, सैलरी का 25% होगा, तो सैलरी का ये 25% निकालने का फार्मूला ये है 25/100, ठीक है, 25/100, तो ये हमारे पास बोनस आ गया। अब बोनस को बाद में सैलरी में ऐड करूंगा, तो बोनस किसके बाद में, सैलरी किसके इक्वल आ जाएगी, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस, यानी कि जो पहले सैलरी थी उसमें बोनस को ऐड कर दे, ठीक है, तो ये सैलरी में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इनपुट करने लगा हूँ, देखें तो सैलरी और ग्रेड इनपुट करना है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा सी इन, एंटर द सैलरी, ठीक है, सी आउट, सी आउट पहले स्क्रीन पर नजर आए, क्या नजर आए, एंटर द सैलरी, सैलरी स्क्रीन पर नजर आए, और फिर यहाँ पे आगे मैं यूज़ करने लगा हूँ, आप चाहे तो स्टेटमेंट आगे ही यूज़ कर लिया करें, ठीक है, आसानी होती है, तो यहाँ पे मैं सीन आगे ही यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे सैलरी में जाए, ठीक है, सैलरी, और यहाँ पे ग्रेड लिखूँगा, ठीक है, सी आउट में लिखूँगा एंटर द ग्रेड, एंटर द ग्रेड, ग्रेड एंटर करें, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या, सीन ग्रेड में वैल्यू जाए, किस में, ग्रेड में वैल्यू जाए, और ये बार बार इफ़ वाली आगे चीज़ लगाने के बजाय मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इफ़, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, अब मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैं डन कर दिया, पहले वो कह रहा है कि सैलरी बताएं, तो सैलरी फ़र्ज़ किया है आपकी बुक पे जितनी दी गई है मैं उतनी ही एंटर करूँगा, 16000 16123, ताकि आपको पता भी चले ना हमारा प्रोग्राम, ठीक है, 16000। वो कहता है कि ग्रेड एंटर करें, ग्रेड 17 है, अब ग्रेड जो है, ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा है, तो सैलरी का 50% 8, यानी कि 8000 बनेगा, 8000 सैलरी में ऐड हो जाएगा, तो ये द वैल्यू ऑफ सैलरी इज 16000, दोबारा वही आ गई है। यहाँ से ब्रैकेट्स खत्म करके देखते हैं, शायद फार्मूले में ना कोई चेंजिंग आ रही हो, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें पता तो है नहीं कि वो लेफ्ट से राइट चल पड़ता है, कभी कभी राइट से लेफ्ट, ऑपरेटर प्रेजिडेंस यहाँ पे आ जाती है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया, इंटर द सैलरी, तो सैलरी 16000 मैंने एंटर की, ग्रेड जो है वो 17 देता हूँ, तो ये देखें 24000 आ गया द वैल्यू ऑफ सैलरीज, ठीक है। अगर मैं 15 से कम देता हूँ, यानी कि ग्रेड 15 से कम देता हूँ, तो ये 16000 जो है ये मेरी सैलरी आ गई, 15 से ग्रेड कम 10 दे दिया, तो ये सैलरी में हमारे पास 16000 का 25% जो कि 4000 होगा, 4000 ऐड करके सैलरी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा, तो वो वाला करते हैं,
अब ये वाली सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम की समझ आई होगी। इसको रिमूव करके अब नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर, एक मिनट, ठीक है, अब नेक्स्ट वो प्रोग्राम कह रहा है प्रोग्राम नंबर 11, वो कहता है कि राइट प्रोग्राम डेट इनपुट टू इंटीजर डिटरमाइन एंड प्रिंट इफ द इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड। वो कहता है कि आप बताएंगे पहला इंटीजर जो है वो दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है, फर्स्ट इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर, ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाए। तो पहले वो कह रहा है दो इंटीजर लें, तो यहाँ पे हम दो इंटीजर ले लेंगे, तो इंट ए और बी, ठीक है, आप लहदा लहदा भी इनपुट करवा सकते हैं, मैं इकट्ठी करवा दूंगा। तो सी आउट स्क्रीन पे शो हो क्या, एंटर टू इंटीजर्स, ठीक है, एंटर एंटर टू 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 इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे ही मैं सीन करवा देता हूँ, सीन पहले ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, ठीक है। और वो कहता है कि इट डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करे और फिर प्रिंट करे अगर पहला जो है नंबर वो दूसरे का क्या है, मल्टीपल है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखें कि अगर 10 जो है वो पूरा पूरा दो पे तकसीम होता है ना, 10 जो है वो पूरा पूरा दो पे तकसीम होता है, तो मैं कहूँगा, यानी कि देखें अगर b इज इक्वल टू ए सी लिखूँ ना, तो मैं कहूँगा b इज अ मल्टीपल ऑफ ए सी, यानी कि अगर मैं 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख रहा हूँ ना, 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो यही बताना है कि जो पहला नंबर मैंने एंटर किया है वो दूसरे का मल्टीपल है कि नहीं। तो दूसरे का मल्टीपल का मतलब है कि वो पूरा पूरा उसको तकसीम करे, तो पूरा पूरा तकसीम करने का मतलब है रिमाइंडर जीरो आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा कि अगर पहला नंबर जो है उसको मैं डिवाइड करवाऊँ दूसरे नंबर से और इसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाए, तो मैं फिर कहूँगा, क्या कहूँगा, कि फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, मैं कहूँगा फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और चलें जी नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट नंबर नहीं है दूसरे का मल्टीपल, ठीक है, तो एल्स में केस आ जाएगा सी आउट वाला, कि जिसमें मैं कहूँगा, जिसमें मैं क्या कहूँगा, फर्स्ट नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया, पहला नंबर 10 दे रहा हूँ, दूसरा 2 दे रहा हूँ, तो पहला दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है, यानी कि 10 जो है वो 2 का मल्टीपल, बताया ना 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का भी होगा, देखें मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन कर दिया, 10 जो है वो 5 का भी होगा, तो ये देखें, ठीक है। अगर मैं 2 का कहूँ कि 2, यानी कि पहले 2 दे दूँ फिर मैं 10 दे दूँ, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर, ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। दोबारा यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ, देखिए 10 इक्वल टू, 10 को लिख सकता ना 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब है कि 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो पहला नंबर अगर मैंने 10 दिया है दूसरा 2 दिया है, तो यस आंसर ठीक आएगा, पहला 10 दिया दूसरा 5 दिया आंसर ठीक आएगा, लेकिन अगर मैं कहूँ 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 10 तो ये बात गलत होगी, ठीक है, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आए होगी। नेक्स्ट आगे न्यू कंसेप्ट है मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका प्रोग्राम नंबर 12 है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस पे करना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हो तो सकते हैं लेकिन उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और कल हमारा प्रैक्टिकल है, और अगर आप टाइम भी देखें, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो अगर आप देखें तो 11:15 और सुबह 10 हमारा प्रैक्टिकल है, तो इस वजह से सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उस पर कवर नहीं होंगे, तो बचने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि दो दो तीन तीन प्रोग्राम्स यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, उससे बचने के लिए हम यहाँ पे ही अब कवर करते हैं। देखें बाकी एक एक दो दो मैं करवाऊँगा वहाँ पे, यानी कि एक कंसेप्ट के रिलेटेड अगर 5 प्रोग्राम है ना, तो एक प्रोग्राम मैं वहाँ पे करवाऊँगा, 4 यहाँ पे समझाऊंगा। तो प्रोग्राम नंबर 5.12 है, वो कहता है राइट प्रोग्राम डैट इनपुट टेस्ट स्कोर्स ऑफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को इनपुट करे एंड डिस्प्ले, और डिस्प्ले करे क्या, हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो कहता है कि ये क्राइटेरिया है कि अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा आए तो ए ग्रेड शो हो, यहाँ से यहाँ तक मार्क्स हो तो बी ग्रेड, सी ग्रेड, इसी तरह डी, और अगर 60 से नीचे आए तो एफ ग्रेड शो हो, ठीक है। इनपुट करना है क्या, बच्चे का स्कोर, बच्चे ने मार्क्स इनपुट करने हैं, हमने बताना है कि कौन सा ग्रेड उसका बन रहा है, तो ये वाली चीज़ें सारी आपको बताइए, आईओ स्ट्रीम कोनियो डॉट एच वाइड मेन, अब इंट स्केयर, अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन अपनी मर्जी होती है, जहाँ पे मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन
सी आउट से ऊपर ऊपर, सी आउट से नीचे करेंगे तो वो सी आउट जो है उसको भी क्लियर कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने इनपुट करवा दी, यहाँ तक इनपुट आ गए, सी आउट में लिखा है एंटर योर टेस्ट स्कोर और यहाँ पे सी इन आ गए। अगर मार्क्स 90 या 90 से ज्यादा हुए तो योर ग्रेड इज ए, अगर मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा हुए तो बी, अगर 70 से ज्यादा हुए सी, अगर 60 से ज्यादा हुए डी, और अगर 60 से कम हुए तो उस वाले को एल्स में रख देंगे और हम कहेंगे योर ग्रेड इज एफ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 80 से ज्यादा तो 93 भी हो सकते हैं, तो क्या बी ग्रेड भी नजर आएगा, ए ग्रेड भी? तो बच्चों आप बात यहाँ पे गौर से सुने कि जो 90 से ज्यादा हुए तो वो ए शो हो जाएगा, अगर 90 से ज्यादा नहीं है फिर 80 पे आएगा ना, तो 80 पे आने का मतलब ये है कि वो 90 से कम ही है, ठीक है। तो 80 से ग्रेटर यानी कि 80 से 90 के दरमियान, ठीक हो गया। तो ये वाला लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, बच्चे ने क्या 74 बच्चे ने मार्क्स एंटर किए तो वो चेक करेगा क्या 74 90 से ज्यादा है, नहीं है तो यही फॉल्स हो जाएगी, नहीं चलेगी। क्या 94 जो है वो क्या 74 80 से ज्यादा है, नहीं है तो ये भी क्रॉस हो जाएगी। क्या 74 इससे ज्यादा है, एल्स इफ में आ जाएगा 70 से, हाँ जी ज्यादा है, तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाएगा, योर ग्रेड इज सी, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे शो हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम डैट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, जी बिजली का बिल हमने कैलकुलेट करना है। द रेट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आर एस, वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है ना एक यूनिट के हिसाब से होगा, और ये होगा कि अगर 300 या 300 से कम यूनिट जो है वो कंज्यूम किए हैं तो 2 रुपए का एक यूनिट लगेगा, अगर 300 से 500 या 500 से लेस, ठीक है, इतने यूनिट कंज्यूम किए हैं तो 5 रुपए यूनिट का रेट लगेगा, और अगर 500 से ज्यादा यूनिट जो है वो कंज्यूम किए हैं तो 7 रुपए लगेगा, ठीक है। उसने कहा है कि अलाइंड एंड आर एस 150 इज आल्सो एडेड टू द टोटल बिल, कहता है कि चाहे किसी ने ये वाले किए हैं, चाहे किसी ने ये वाले किए हैं, चाहे किसी ने ये, 150 रुपया हर किसी के बिल में ऐड होगा, ठीक है। एंड सर चार्ज और 5% भी ऐड होगा, ठीक है। इफ द बिल, अगर वो कहता है कि जितना अगर बिल 2000 से बढ़ जाता है तो फिर ये 5% जो है वो एक्स्ट्रा भी, ये भी ऐड होगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है बिल, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने सैलरी वाला प्रोग्राम किया था, क्या इंट करूंगा यूनिट्स, बिल जो है यहाँ पे इशारे में भी आ सकता है। उन्होंने पहले यूनिट्स देख लिए हैं कि कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, इसने 300 किए हैं तो 300 वाले को कितने मिलेगा, 300 वाले को यहाँ पे लिखा था ना 2 रुपए, ठीक है, क्योंकि 300 के बराबर भी अगर हुआ तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर यूनिट 500 से ज्यादा हुए तो 7 रुपए का यूनिट पड़ेगा उसे। अगर एल्स इफ में कहा है कि अगर 300 से ज्यादा हुए तो वो 5 रुपए का पड़ेगा, अदरवाइज उसको 2 रुपए का यूनिट पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखें बिल कैलकुलेट हो गया यहां तक, ठीक है, बिल कैलकुलेट। फिर उसने कहा था बिल में 1500 भी ऐड करो, 150 भी ऐड करो, ठीक है, हर एक के बिल में, तो ये 150 ऐड कर दिया। फिर उसने कहा था कि अगर बिल जो है वो 2000 से ज्यादा होगा तो फिर बिल का 5% ऐड हो, तो बिल का 5% ये हमने निकाल लिया। आप चाहें तो इसको अलहदा कह सकते थे एक्स्ट्रा, आप इसको लहदा एक्स्ट्रा वेरिएबल कह देते और बाद में कह देते कि बिल में, यानी कि बिल में एक्स्ट्रा ऐड हो जाए और जो न्यू बिल आएगा वो एक्स्ट्रा की वैल्यू बनेगी, ठीक है, जो न्यू बिल आएगा वो एक्स्ट्रा की वैल्यू बनेगी। इस तरह भी कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बोनस कैलकुलेट किया था। तो यही आप हिसाब लगा लेंगे, ये बोनस की वैल्यू है और डायरेक्ट ही उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें, तो ये टोटल बिल एंड पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सिंपल सा प्रोग्राम आता होगा, ठीक है, समझा दिए एक एक लाइन को। अब ये देखें, वो कहता है डाटा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें डैट इनपुट रेडियस एंड यूजर चॉइस, वो कहता है कि रेडियस इनपुट करे और यूजर चॉइस इनपुट ले, ठीक है। तो ये देखें फ्लोट में तो इंट चॉइस ले लिया, ठीक है, इंट चॉइस ले लिया और रेडियस ले लिया, सिर्फ इस पे आए, ठीक है, क्लियर स्क्रीन लगा लिया। रेडियस को इनपुट करने के लिए एंटर रेडियस सी आउट में और सीन में रेडियस लगा दिया, ठीक है। चॉइस के लिए कहा है कि यूजर 1 या 2 जो है वो चॉइस के तौर पर पुट करे, तो ये सीन चॉइस कर दिया। अब वो नेक्स्ट कहता है इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ ए सर्कल, ये एरिया सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करे अगर यूजर जो है वो 1 मीटर इंटर करता है, और ये सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करे अगर यूजर जो है वो 2 एंटर करता है, ठीक है, 2 एंटर करता है तो सर्कमफेरेंस, 1 एंटर करता है तो एरिया। तो यहां पे सी आउट में भी उन्होंने लिख दिया कि 1 फॉर एरिया 2 फॉर सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो अगर चॉइस 1 के इक्वल हुई तो ये देखें एरिया का फार्मूला यहां पे यूज कर लिया उन्होंने, और अगर चॉइस 2 हुई तो उन्होंने कह दिया है कि ये हमारे पास सर्कमफेरेंस, और अगर ना तो चॉइस की वैल्यू 1 हुई ना ही 2 के इक्वल हुई तो फिर एल्स वाला केस चलेगा, वो कहेंगे कि ये चॉइस हमने पूछी नहीं, आप फिर पता नहीं क्यों दी जा रहे हैं, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। तो ये देखें एरिया का फार्मूला यहाँ पे लगा दिया और एरिया को स्क्रीन पे शो करवा दिया। ये सेट प्रोसीजन आप छोड़ दें, ठीक है, ये क्या होती है, ये इसके ऊपर मेरे डिटेल से लेक्चर मौजूद है, ये हमारे पास होते हैं
इसके लिए हेडर फाइल ये आईओ मैनिप यूज़ की गई है, मैनिपुलेटर होते हैं ठीक है। तो अभी हम इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ छोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी प्रोग्राम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। सेट प्रोसीजन का मतलब होता है इशारे के बाद दो वैल्यूज़ दें, तो ये देखिए इशारे के बाद दो वैल्यूज़ दे रहा ना, तो ये सेट प्रोसीजन का मतलब होता है। फिर भी मैंने आपको बता तो दिया है, लेकिन अगर आप इसको ना भी यूज़ करें, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बताया गया ठीक है, तो आप ना भी यूज़ करें प्रोग्राम ठीक होगा, लेकिन अगर यूज़ करें तो ये इशारे के बाद दो वैल्यूज़ देगा सेट प्रोसीजन ठीक है, प्रोसीजन को सेट करना। नेक्स्ट देखिए प्रोग्राम नंबर 5.15 है, बस ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम वो के देखे, वो कहता है राइट प्रोग्राम डैट इनपुट सैलरी, जो कि सैलरी को इनपुट करे, अगर सैलरी जो है वो 20,000 या इससे ज़्यादा हुई तो 7% काट लो ठीक है। तो और अगर सैलरी जो 10,000 या इससे ज़्यादा हुई तो फिर बट लेस देन, कहता है वो 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम हुई तो फिर 1,000 रुपया काट लो ठीक है सैलरी से, और अगर सैलरी 10,000 से कम हुई तो फिर कुछ कोई चीज़ ना काटो ठीक है। और फाइनली डिस्प्ले नेट सैलरी और सैलरी आप दिखा दें, तो ये देखे सैलरी इंट लिया उन्होंने, फ्लोट नेट जितना भी आंसर आएगा वो फ्लोट में, सैलरी को इनपुट करवाया गया है, अगर सैलरी जो है वो 20,000 से ज़्यादा हुई तो सैलरी का 7% ये आ गया, और इस 7% को सैलरी से निकाल दिया ठीक है। और अगर जो है वो सैलरी 10,000 से बड़ी हुई तो फिर उसका मतलब है कि नेट, यानी कि आप इस तरह कह सकते थे फिर हाँ नेट जो है वो सैलरी में से 1,000 रुपया निकाल देंगे ठीक है। और वगैरह अगर ना तो 20,000 से ज़्यादा हुई और ना ही 10 से 20,000 के दरमियान हुई, तो फिर जाहिर सी बात है 20,000 से ज़्यादा भी नहीं है और इनके दरमियान भी नहीं है तो कम ही होगी ना, तो अगर कम है तो फिर टोटल सैलरी ही स्क्रीन पर शो हो जाए। तो ये सारे प्रोग्राम सादा सिंपल आसान से है, तो मैं इस वाले प्रोग्राम को जो है वो टर्बो पे परफॉर्म करता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो चलिए जी देखें प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले शार्प सिंपल इंक्लूड iostream.h, और इसके बाद आएगा हमारे पास इंक्लूड, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ कर रहे हैं ठीक है। conio.h, ये हमारे पास आ जाएगा वाइड मेन फंक्शन, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। अब हम फ्लोट में लेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लोट में भी हो सकता है क्या, रेडियस उसने कहा था लेना है, और सर्कमफेरेंस भी आप कर सकते हैं और एरिया भी ठीक है। और एक हम चॉइस भी लेंगे, चॉइस हम इंटीजर वैल्यू लेंगे ठीक है, चॉइस हम इंटीजर लेंगे, तो इंटीजर एक चॉइस लेंगे, और अगर चॉइस 1 हुई तो एरिया कैलकुलेट करे, 2 हुई तो सर्कमफेरेंस, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं तो स्क्रीन पे इनवैलिड चॉइस नजर आए ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे सी इन एंटर द चॉइस, एंटर द नहीं बल्कि यहाँ पे हम लिख देता हूँ सी इन करें एरिया को, हमने पहले कहता हूँ कि एंटर द रेडियस, क्योंकि रेडियस से ही हमने कैलकुलेट करना है ना, एंटर द रेडियस, और रेडियस की वैल्यू किस में जाए, रेडियस वाले वेरिएबल में जाए, रेडियस वाले वेरिएबल ठीक है। और ये हो गया रेडियस। अब मैं कहूँगा सी आउट एंटर द चॉइस, अब चॉइस एंटर करें ठीक है, एंटर द चॉइस वन फॉर एरिया एंड टू फॉर सर्कमफेरेंस ठीक है। तो ये मैंने कह दिया कि चॉइस एंटर करें, चॉइस की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, तो चॉइस की वैल्यू इनपुट होगी। अब ये न्यू लाइन पे भी लिख सकते हैं ठीक है, जब सेमी कॉलन लगा देते हैं इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेटमेंट, सीन किस में जाएगी, ये चॉइस में जाएगी ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं क्या लगाऊंगा, इफ अगर चॉइस जो है ये 1 के इक्वल हुई, अगर चॉइस जो है ये 1 हुई तो फिर स्क्रीन पे क्या शो हो, फिर ये एरिया कैलकुलेट करेगा ठीक है, एरिया कैलकुलेट करेगा। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगी, अगर एक स्टेटमेंट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो ना तो उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं ठीक है। तो ये मैं कर्ली ब्रेसेस में लिखने लगाऊँ क्या, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा कि एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 है, तो 3.14159 होती है इसकी वैल्यू, तो ये पाई की वैल्यू, और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस ठीक है, तो रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस ये फार्मूला होता है इसका। और फिर एरिया की वैल्यू को स्क्रीन पर शो भी करवाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया की वैल्यू को स्क्रीन पर शो भी करवाना है ठीक है। द वैल्यू ऑफ एरिया इज, एरिया इज, तो ये वैल्यू किसकी शो हुई है, ये वैल्यू एरिया की शो हुई है ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और फ़र्ज़ किया है कि अगर चॉइस कितनी होती, अगर हमारे पास चॉइस होती, इफ़ चॉइस 2 के इक्वल होती, अगर चॉइस 2 के इक्वल होती तो स्क्रीन पे सर्कमफेरेंस आता, तो फिर इसकी बॉडी यहाँ पे आएगी, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो फिर सर्कमफेरेंस का फार्मूला आता है सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.14159 ठीक है, 3.14159
5 9 3 पाई r, r हमारे पास यानी कि रेडियस, ठीक है। और सी आउट में हम क्या दिखाते, द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंस की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, तो ये सरकमफेरेंस से उठाएगा, ठीक है, सी आई आर से। तो ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे क्या कर दूंगा अब, हाँ एक एल्स में केस, अब देखें दो कंडीशंस हैं, तो यहाँ पे एल्स इफ लगेगा, ठीक है, एल्स इफ। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, एल्स वाला केस लगा दूंगा कि अगर च्वाइस ना तो वो हुई ना तो वो हुई, तो फिर स्क्रीन पे क्या शो हो, फिर स्क्रीन पे शो हो इनवैलिड च्वाइस, ठीक है। तो ये नीचे से आपको शायद नज़र ना आ रहा होगा, तो एक मिनट, स्क्रीन नीचे से नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल्स में लगा दूंगा क्या, इनवैलिड च्वाइस, ठीक है, इनवैलिड च्वाइस, ठीक है, इनवैलिड च्वाइस। तो ये हमारे पास बस गेट सी एच लग गया, क्लियर स्क्रीन लगाई थी कि नहीं, शायद हमने नहीं लगाई थी क्लियर स्क्रीन, ठीक है, क्लियर स्क्रीन शायद हमने नहीं थी लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन लगा देंगे, सी एल आर एस सी आर, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइल हो गया, ये हमारा डन हो गया। वन च्वाइस एंटर पुट की तो वो देखें, बल्कि रेडियस एंटर करना था हमने, एक मिनट, ये देखें दोबारा देखें, इनपुट ही गलत हो गई मुझसे, वो इंटर द रेडियस फर्ज किया मैं 5 एंटर कर देता हूँ रेडियस। अब वो कह रहा है कि च्वाइस वन दे फॉर एरिया और च्वाइस टू दे सरकमफेरेंस के लिए, तो वन मैंने दी है तो एरिया कैलकुलेट हो गया 78.53, ठीक है। अब ये देखें अशारी के बाद इतना ज़्यादा आ रहा है ना, अगर मैं सेट पर सीएन टू के लगा दूँ जिस तरह बुक पे थी, तो फिर ये अशारी के बाद दो ही नजर आएंगे, ठीक है। दोबारा कंपाइल किया, ये दोबारा रन कर दिया, दोबारा एरिया मैंने दिया 5 और अब मैं 2 इनपुट करूँगा तो वो सरकमफेरेंस कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। दोबारा कंपाइल किया, दोबारा मैंने रन कर दिया, एरिया मैंने 5 एंटर किया। और अगर फर्ज किया कि मैं कोई और कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है, यानी कि 5 मैंने च्वाइस दे दी, तो वो कहेगा इनवैलिड च्वाइस। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। अब ये देखें प्रोग्राम को मज़ीद सिंपल सादा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप चाहें तो इस वाली चीज़ को ना इस तरह हम कर दें, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि इस तरह हम भी कर सकते हैं एक लाइन में, ठीक है, लेकिन ये इस तरह भी हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन इस तरह ना देखें कि पता नहीं चलता चीज़ों का, तो इस वजह से हम इस तरह इसको नहीं लिखते, ठीक है ना, चीज़ें ऐसे भी चल जाएगी। देखें चीज़ें ऐसे भी चलेगी, ठीक है। तो रेडियस 3 तो ये इनवैलिड च्वाइस, ठीक है, इस तरह भी चल सके, लेकिन ये हमारे पास इस तरह नहीं होता, यानी कि समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। तो अपने प्रोग्रामों को इस तरह बनाना है कि हमें समझ भी आए। तो नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम्स पे। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम आएंगे नेस्टेड इफ के रिलेटेड। नेस्टेड इफ क्या होता है, एक मिनट, अब हमारे पास प्रोग्राम्स आएंगे नेस्टेड इफ के रिलेटेड, ठीक है। नेस्टेड इफ में क्या होगा कि इफ के अंदर ही एक इफ हुआ करेगा, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं, तो आप अपनी मर्जी, जो जो हम चीज़ें पढ़ के आए हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ के आए हैं, हम एक इफ़ पढ़ के आए हैं, ठीक है, इफ़ पढ़ के आए हैं, और इफ़ एल्स पढ़ के आए हैं, ठीक है, इफ़ एल्स पढ़ के आए हैं, और इसके पास मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ पढ़ के आए हैं, ठीक है, मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ पढ़ के आए हैं, ठीक है, मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ ये वाली चीज़ें तीन पढ़ के आए हैं। अब आपकी मर्ज़ी इफ़ के अंदर ये लगा दें या इफ़ के अंदर ये वाली चीज़ लगा दें, आपकी मर्ज़ी इफ़ के अंदर भी इफ़ लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी इसके अंदर ये लगा दें, इसके अंदर ये, जो मर्ज़ी जिस मर्ज़ी आपस में कम्बिनेशन जिस तरह मर्जी बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहता है राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग द नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ ना कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पचीदगी वाला हो जाता है। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें 3 नंबर्स को इनपुट करवाया गया है और बताया कि इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो पीछे हम 5 नंबर के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट होने वाला देख के आए थे, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे ऊपर जाके दोबारा वापस दिखाऊं, देखें जी कि दोबारा वापस जा रहा हूँ, समझ आनी चाहिए आपको, मैंने बताया था ये देखें 5 नंबर जो इनपुट करवाए थे हमने, कहाँ गया, ये देखें, ये यहाँ पे क्या था, इनपुट 5 इंटीजर हमने करवाए थे, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बताए थे। तो ये देखें सिंपल सा प्रोग्राम था, हमने कर लिया, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर हैं, 3 नंबर्स में से भी हमने सिर्फ और सिर्फ स्मॉलेस्ट दिखाना है, तो इसके लिए ही नेस्टेड इफ देखनी है, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है।
ये वाला देखे प्रोग्राम कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया, ये देखे प्रोग्रामिंग में। चले हम देखते हैं इसको। वो कहते हैं बाई यूजिंग नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ की मदद से। अगर ये साथ ना लिखा गया हो तो आप वो पढ़ाने वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। देखें ए बी सी तीन नंबर्स ले लिए। अब ए बी सी तीन नंबर्स है ना, ए बी और सी, ठीक है। तो पहले अपनी मर्जी जिन दो मर्जी को कंपेयर करवा लें, तो इन दो को कंपेयर करवाऊंगा, ठीक है। अगर इनमें से ए छोटा आ गया, क्या ए छोटा आया, तो फिर मैं ए को सी से कंपेयर करवाऊंगा। किसको? ए को सी से। अब ए बी में से ए छोटा आया था तो मैं कहूंगा फिर इन ए और सी को करवाऊंगा कंपेयर। अगर ए ही छोटा आ गया तो ए सबसे छोटा होगा, और अगर सी छोटा आ गया तो सी सबसे छोटा होगा, ठीक है। यानी देखें ना कि फर्ज किया मैं कहूंगा टू और फाइव और सेवन इस तरह हो जाए, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए, टू छोटा आ गया, टू और सेवन को करवाऊंगा तो टू छोटा हो गया, तो मैं कहूंगा कि टू सबसे छोटा है। या इस तरह आप कह लें कि एक टू है, एक फाइव है और एक वन है। पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर करवाया, टू छोटा आ गया, फिर इन दोनों को कंपेयर करवाऊंगा, वन छोटा आ गया तो मैं कहूंगा वन सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। इस तरह हम चलेंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बी छोटा हो सी से, यानी कि अब इसको हम लेके चलेंगे, यानी कि अगर तीन नंबर है ना, अब पहले इनको कंपेयर करवा लें, अगर इनमें से कोई छोटा हुआ, कहने का मतलब यह है कि इन दोनों को कंपेयर करवाऊंगा, अगर ये वाला नंबर छोटा हुआ तो फिर इन दोनों को कंपेयर करवा लूंगा, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं यहां पे इस तरह लिख लेता हूं बी सी और ए, बी सी और ए, दोबारा वही बात है, बी सी और ए है कि अब अगर बी छोटा हुआ सी से, क्या हुआ, बी छोटा हुआ सी से, तो फिर मैं कहूंगा बी स्मॉलेस्ट नंबर है, और अगर सी जो है वो छोटा हुआ तो मैं कहूंगा सी स्मॉलेस्ट नंबर है। बिल्कुल यही लिखा हुआ है कि पहले अगर ए छोटा हुआ बी से, फिर मैं चेक करवाऊंगा कि ए छोटा है सी से कि नहीं। अगर ए से छोटा आ गया सी से तो मैं कहूंगा ए स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर सी छोटा आ गया सी स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि ये पहली कंडीशन लगी हुई है ना, इफ ए लेस देन बी, तो ये वाली चेक करवाई है, ऊपर वाली ए लेस देन बी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। और ये जो लगाई हुई है ना ए लेस देन सी, फिर ये पहले और तीसरे को कंपेयर कर रहा हूं। अगर पहला छोटा आ गया तो मैं कहूंगा ए लेस देन है, अगर सी वाला छोटा आ गया मैं कहूंगा सी स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और दूसरा केस ये वाला है, जब मैंने बी और सी को कंपेयर करवाया यहाँ पे, और बी और सी को कंपेयर करवाया, अगर बी सबसे छोटा आ गया तो मैं कहूंगा बी स्मॉलेस्ट नंबर है, अदरवाइज सी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोग्राम, बस इसको देख लीजिएगा, ये आउटपुट 20, 30 और 20 लिखा हुआ है। पहले इन दोनों को कंपेयर करवाऊंगा, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 20 छोटा है ना, अब 20 और 13 को मैं कंपेयर करवाऊंगा, 20 और 13 को कंपेयर, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 13 छोटा है, तो मैं कहूंगा कि 13 स्मॉलेस्ट नंबर है। यानी कि ये हमारे पास ये वाला यहाँ पे ये स्क्रीन पे शो होगा, क्या कि 30 इज द सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, ईजी है ये भी। वो कहता है राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स की इनपुट ले, तो ये तीन नंबर्स इनके, अब देखें इकट्ठी कर दिया, जिस तरह मैं आपको प्रोग्राम में करवा रहा था ना टाइम बचाने के लिए एक ही लाइन में, तो यही उन्होंने किया, तीन नंबर्स लिए हैं इंट ए बी सी। अब यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं यूज़ की, तो आपकी मर्जी करें या ना, स्टार्टिंग सारा बता के चला हूँ आपको, तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लें, ठीक है, सी एल आर एस सी आर। अगर आप एक दफ़ा ही चलाएंगे और चाहते हैं कि बार बार ना शो हो रिजल्ट, तो फिर आप लगा लें, ठीक है। तो ये लीजिए हमारी क्लियर स्क्रीन लग गए, तो ये सेमी कॉलन सही नहीं नज़र आ रहा, ये डॉट नहीं लग रहा। चलें जी, अब इनपुट तीन नंबर्स की यहाँ तक होगी, ठीक है, डिक्लेयर भी हो गए तीनें। अब वो कहता है डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल आर नॉट, चेक करेंगे तीनों नंबर इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। तो तीनों नंबर के इक्वल चेक करने के लिए देखें ए बी और सी है ना, तो पहले मैं चेक करूंगा ए बी इक्वल है कि नहीं। अगर ए बी ही इक्वल ना हुए तो मैं कह दूंगा कि नंबर डिफरेंट है, ठीक है। अगर ए बी इक्वल ना हुए तो ये देखें एल्स में लग गया है नंबर्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर ए बी इक्वल आ गए, फिर मैं चेक करूंगा बी सी भी इक्वल है कि नहीं, क्योंकि तीनों नंबर चेक करने हैं इक्वल है कि नहीं आपस में, तो बी सी फिर मैं चेक करूंगा। देखें अगर ए बी इक्वल आ गया तो फिर मैं बी सी कर लूँ या ए सी कर लूँ, अपनी मर्जी है। आप यहाँ पे बी भी लिख सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी, जो मर्जी जैसे मर्जी लिख दें। और अगर ये भी इक्वल आ जाएगा मैं कहूँगा तमाम नंबर्स इक्वल हैं, और अगर बी सी या ए सी, यानी कि यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, आप बी सी भी लिख सकते हैं। बी सी इक्वल ना आया तो मैं कहूँगा नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि दो कीमतें तो आपस में इक्वल आ गई, लेकिन ये फिर नेक्स्ट वाली दो नहीं आपस में आ रहे हैं इक्वल, ठीक है। तो हमने उस वक्त कहना है नंबर्स आर इक्वल जब तीनों इक्वल हुए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 इक्वल है 25 के नहीं इक्वल, तो शुरू पे ही हमने कह दिया नंबर नॉट इक्वल, डिफरेंट है, ये वाली चीज़ चली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड कंडीशन आ गई। कंपाउंड कंडीशन आपको स्टार्टिंग में बता गया था कि एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में मिलाने के लिए यूज होती हैं। तो पहले मैं कहता हूं कि आपको ये वाला प्रोग्राम जो है वो टर्बो पे करवा। चलिए जी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h, फिर शार्प इंक्लूड और kunio.h और फिर वाइड मेन, और फिर हमारे पास लगेगा ये मेन फंक्शन, और इंट तीन नंबर लेने हैं ए बी और सी, तीन हमने नंबर ले लिए, ठीक है। और सीन करवाऊंगा, सीन करवाने के लिए पहले सी आउट, सी आउट में लिखूंगा एंटर थ्री नंबर्स, एंटर
नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आगे ही सीन लगा दूंगा ए में वैल्यू, फिर बी में और फिर सी में, ठीक है। और यहाँ पे फिर करा दूंगा अगर अगर ए बराबर हो गया बी के, ठीक है। तो अगर ए बराबर हो गया बी के, अब इसके अंदर लगने लगी है, देखिएगा इसके अंदर ही आगे लगाने लगा हूँ। अगर ए बराबर, फिर मैं चेक करूंगा कि क्या बी बराबर है सी के। अगर बी बराबर के सी आ गया तो मैं कहूँगा क्या कहूँगा, मैं सी यूट स्क्रीन पर शो करवा दूंगा कि स्क्रीन पे, क्या स्क्रीन पे शो करवाऊंगा, ये करवाऊंगा कि तीनों नंबर्स इक्वल है, ठीक है। नंबर्स आर इक्वल, नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल हो गए नंबर, ठीक है। ये मैंने स्क्रीन पे शो करवा दिया। और फर्ज किया है कि अगर ए बी के इक्वल आ गया है, लेकिन लेकिन यहाँ पे दूसरा लेकिन वाला केस लगाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये किस में लग गया, ठीक है। अब इसमें एल्स वाला केस, ये इफ लग गया, अब एल्स आगे ही लगाने लगा हूँ, ठीक है। इसका एल्स आगे ही लगाने लगा हूँ, एल्स लगा देता हूँ कि अगर बी सी के इक्वल ना आया तो एल्स में मैं कह दूंगा स्क्रीन पे शो हो जाए कि डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंट, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। यहाँ पे भी इसको इक्वल ही कह देते हैं बस, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। देखें स्टार्टिंग पे देखिएगा, एक मिनट, अगर ए बी के इक्वल हुआ, फिर मैं चेक करूंगा क्या बी सी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। अगर ए बी के इक्वल हो गया, मैं चेक करूंगा बी सी के इक्वल है कि नहीं। अगर बी सी के इक्वल आ गया तो जाहिर सी बात है ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, नंबर दार इक्वल। लेकिन अगर ए बी के इक्वल आ गया लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है तो ये चीज़ नहीं चलेगी, फिर कौन सी चलेगी, एल्स वाली चलेगी कि नंबर डिफरेंट है, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि ए ही बी के इक्वल ना आया स्टार्टिंग पे ही, स्टार्टिंग पे ही ए बी के इक्वल ना आया, तो मैं फिर स्टूडियो पे करवा दूंगा कि नंबर जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, डिफरेंट है, नंबर डिफरेंट है। तो बुक पे वहाँ पे दूसरे तरीके से लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश किया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे गैट्सकेश लगा दूंगा, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन उन्होंने नहीं लगाई थी, तो हम भी अपनी मर्जी लगाएं या ना लगाएं, तो मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा लेता हूँ, CLR SCR, ठीक है। तो बस याद रहे कि आपने मेन फंक्शन के अंदर लगाना है, तो ये मेन फंक्शन के अंदर ही लिखा गया है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे लिख लें। ये मैंने कंपाइल किया, दो एरर्स आ गए। वो क्या एरर आई, वो कहते हैं कि मिसप्लेस्ड एल्स, आपने एल्स, अच्छा मिसप्लेस्ड इसलिए क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन की थी ना, क्लोज नहीं थी की, तो यहाँ पे क्लोज भी आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब ये देखें कंपाइल, ये हमने रन कर दिया, तीन नंबर्स 23, 43 नंबर दार डिफरेंट, ठीक है। अब दो सेम कर लेता हूँ, दो सेम करके 12 और 32 नंबर दार डिफरेंट। अब तीनों सेम कर लेता हूँ तो देखें 12 वो कह रही है इक्वल हो गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया कंपाउंड कंडीशन। शुरू में सारे डिटेल्स बता के आया था क्या कंपाउंड कंडीशन क्या होते हैं, कंडीशंस को मिलाने के लिए। इसमें हमारे पास देखें, सबसे पहले एंड ऑपरेटर आता है, एंड का मैंने आपको मैंने बताया था और, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट हैं, आपने स्टूडेंट की एग्जाम्पल लेनी है, अगर ये भी नहीं आया ये भी नहीं, तो मैंने कहा था उस वक्त पढ़ाऊंगा, अगर पहला भी आया दूसरा भी, ये भी नहीं आया तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास लगा देता हूँ, ठीक है। अगर पहला नहीं आया दूसरा आ गया, तो मैंने कहा था ये भी स्टूडेंट आए और ये भी स्टूडेंट आए, मैं फिर पढ़ाऊंगा, एक आया एक नहीं आया तो यानी कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, एक तो आ गया लेकिन दूसरा नहीं आया, मैंने कहा था ये भी आए और ये भी आए, तो एक नहीं आया तो उसका मतलब कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ये भी आया है और ये भी आया है, जो मैंने कहा था कि जब दोनों आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, तो इस वक्त ये हमारे पास ट्रू हो गया। अब इसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया है एंड वाले के लिए, ये राइट प्रोग्राम डेट इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। वो कहता है लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हुए आप मैक्सिमम नंबर बताएं, तीन नंबर्स इनपुट करने हैं पहले, तो इनपुट के लिए दोबारा वही चीजें देखें, ये हमारे पास इनपुट इतनी होगी, ठीक है। अब अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, अब देखें वो जो दो कंडीशंस लगा रहे थे ना हम, कौन सी के इफ के अंदर, यहाँ पे लगा दी थी ए बराबर है बी के फिर इफ में जाके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इकट्ठी ही लगा सकते हैं, कैसे, ये देखें ऊपर वाला प्रोग्राम भी ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर ए बराबर हो गया बी के और फिर बी बराबर हुआ है के, यानी कि वो दो कंडीशन भी हम यहाँ पे इकट्ठी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ये काम आसान हुआ है, ठीक है। तो हम लिख देते नंबर आर इक्वल, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम कह देते नंबर आर डिफरेंट। तो देखें ये कितना इजी प्रोग्राम हो गया, ये वाला जो हम पीछे करके आए थे इतना लेंथी, ठीक है, नेस्टेड इफ की मदद से। अगर ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो मैं कहूंगा ए मैक्सिमम नंबर है, और अगर बी बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, मैं कहूंगा कि बी मैक्सिमम नंबर है। और एक कंडीशन अगर सी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, तो मैं कहूंगा सी मैक्सिमम नंबर है। तो ये तीसरा केस बचता है, तो इस तीसरे केस को मैं एल्स वाले में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा कितना आसान प्रोग्राम हो गया, ए बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है, तो मैं कहूंगा ए बड़ा है।
अगर ए बी से यानी कि दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये चला करेगा, ठीक है। अगर एक भी फॉल्स होगा तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और तीसरा एंड में बचता ही एक केस है कि फिर सी मैक्सिमम नंबर होगा। आर ऑपरेटर की बात करें तो आर कहते हैं या को, ठीक है। ये मैंने कहा था कि या ये आ जाए या ये मैं पढ़ाऊंगा, जब दोनों ही नहीं आए, जब दोनों ही नहीं आए तो मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और फर्ज किया है ये वाला नहीं आया लेकिन ये वाला तो आ गया है ना, एक ही आ गया है तो मैं पढ़ा दूंगा, या ये आ जाए तो एक आ गया है तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर दोनों आ गए हैं तो मैं दोनों को भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसमें एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होता है। तो इसमें कहता है राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट आर करेक्ट एंड डिस्प्ले वेदर इट इज अ वॉवल आर नॉट। वो कहता है कि एक करेक्टर इनपुट करे यूजर और हमने चेक करना है कि वो वॉवल है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करना है वॉवल है कि नहीं। तो वॉवल हमारे पास पांच होते हैं, ए आई ओ यू ई, पांच ये। अब ये पांच ही छोटे पांच ही बड़े दस हो जाएंगे, ए आई ओ यू ई और ए बड़ा ए आई बड़ा ओ बड़ा यू बड़ा ई बड़ा, ठीक है। ये पांच पांच दस हो जाएंगे। तो अब देखें उनका क्या है कि इनपुट एक करेक्टर इनपुट करें। तो ये हमने कर दिया, एक करेक्टर डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया सी एच, क्लियर स्क्रीन लगा दी, इनपुट एनी करेक्टर कह दिया या एंटर एनी करेक्टर कह दिया और सी सी इन में लगा दिया सी एच, इसमें इनपुट हो गई ये हमारी, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से मैं सिखाता आया हूँ इनपुट। अगर हमारा करेक्टर जो है वो ए के इक्वल हो, करेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन यूज करते हैं आप लाजमी याद रखिएगा, और स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोटेशन यूज किया करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने अली लिख दिया तो ये डबल कोटेशन में आएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगर करेक्टर ए के इक्वल हुआ या फिर करेक्टर स्मॉल ए के या कैपिटल ए किसी एक के भी इक्वल हो गए, यानी कि इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो हम कहेंगे कि दिया गया करेक्टर एक वावल है। अगर कोई एक भी अगर सारी फॉल्स हुई तो उस वक्त नॉट ए वावल आएगा। हमने यहां पे ए किया है ना, एक जगह पे मैं फर्ज किया मैं स्मॉल ओ कर देता हूं, ठीक है। मैंने स्मॉल ओ इनपुट किया, वो चेक करेगा कि क्या करेक्टर इसके इक्वल है, नहीं ये फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई, ठीक है। यहां पे मैं कलर चेंज करके बताता हूं, जब कंडीशन चेक करेगा ना, मैंने ओ पुट किया छोटा ओ, तो ये देखेगा ये तो फॉल्स हो जाएगी, ए के इक्वल नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। ये देखे कितनी कंडीशन चेक कर रहा है, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, और ये ट्रू हो जाएगा। कोई एक भी ट्रू हो गया इसका मतलब आंसर ट्रू होगा, ये कंडीशन का आंसर ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो स्क्रीन पे शो हो जाएगा यू इनपुट आ वॉवल, ठीक है। और ये नहीं चलेगा, एल्स वाला केस गेट सी एच हो जाएगा। और फर्ज किया है कि मैं ओ के अलावा पी पुट कर देता तो फिर ये भी फॉल्स हो जाना था, फिर सारे फॉल्स हो जाने थे, सारे फॉल्स होने की वजह से फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जानी थी और फिर ये चलना था नॉट ए वॉवल, ठीक हो गया। इजी सा प्रोग्राम है, देखें बस प्रैक्टिस लाजमी करिएगा इसकी। राइट प्रोग्राम डैट अलाउज द यूजर टू इंटर एनी करेक्टर थ्रू द कीबोर्ड, कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर इनपुट करें एंड डिटरमाइन वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर स्मॉल कैट लेटर एंड डिजिट। वो कहता है कि कोई भी कीबोर्ड से एक लेटर इनपुट करें, बताया जाए कि ये कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है या एक डिजिट है या कोई स्पेशल सिंबल है, ठीक है। तो आप लोग को बताया जाता है कि हमारे पास ना एक ASCII टेबल होता है, कौन सा टेबल, ASCII टेबल, ASCII टेबल, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इंस्टीट्यूट, इस तरह का इसकी अब्रिविएशन। तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा टेबल होता है कि जिसमें हर एक करैक्टर जो कि हमारे कीबोर्ड पे मौजूद है, करैक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंटर बटन की करेंगे ना तो वो एक करैक्टर नहीं है, बैकस्पेस की बात करेंगे वो करैक्टर नहीं है, शिफ्ट की बात करेंगे वो करैक्टर नहीं है, करैक्टर डिजिट्स होंगे, 1 2 3 ये करैक्टर है, बाकी इस तजाबिया की लामत एक्सक्लेमेशनरी साइन परसेंटेज साइन, ठीक है, डॉलर साइन एंड ऑपरेटर, ये सारे क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट्स वगैरह ये करैक्टर होंगे, एबीसी भी करैक्टर आएगी, छोटी एबीसी भी बड़ी एबीसी भी, स्पेस की अगर हम बात करें ये भी एक करैक्टर है, ठीक है। तो ये वाले करैक्टर, तो वो कहते हैं कि कोई भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर डिजिट या स्पेशल सिंबल, ये हमारे पास एक करैक्टर होते हैं, ठीक है। इन सभी की ना एक सीक्वेंस वैल्यू होती है इस टेबल में। तो इस टेबल में देखिए हम क्या कह रहे हैं कि अगर करैक्टर जो है वो ए से बड़ा या उससे इक्वल या इनमें से अगर दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, ठीक है, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये कैपिटल लेटर है, ठीक है। यानी कि जो हमने नंबर दिया है वो ए से बड़ा हो और जी से छोटा हो, यानी ए से जी के दरमियान अगर कोई हो नंबर, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करे, इसके बड़ा हो और इससे छोटा हो, तो फिर हम कहेंगे वो कैपिटल लेटर है। एंड एल क्या है, मैनिपुलेटर है, इसके लिए आयो मैनिपी हम यूज ना भी करें तो कोई बात नहीं, तो करनी चाहिए थी वैसे, तो ना भी करें तो एंड एल शायद
कोणियों में नहीं, आयोमैनी में नहीं होती, एंडल उसमें कोणियों में ही आ जाती है, ठीक है। तो एंडल न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अगर स्मॉल ए से कैपिटल जी में अगर कोई होगा तो हम इसे कहेंगे स्मॉलर स्मॉलर केस लेटर, और अगर ये जीरो से नाइन के दरमियान होगा तो हम कहेंगे कि ये डिजिट है, और अगर ये हमारे पास वगिरना हमारे पास एक कोई ना कोई स्पेशल सिंबल होगा। तो ये प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ताकि आप चलिए जी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोबारा वही चीज़ें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, और फिर आ जाएगा हमारे पास हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर आ जाएगा हमारे पास वाइड मेन, और फिर वाइड मेन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आएगा, वाइड मेन के एंड पे सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे एक करैक्टर ले लेता हूँ, चार सी एच मैंने एक करैक्टर ले लिया, और सी आउट में कहूँगा एंटर आ करैक्टर, ठीक है। कोई भी करैक्टर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है या कुछ भी। तो ये हमने लिख दिया आगे सी इन, यानी कि जो वैल्यू इनपुट करूँगा वो किस में जाए, वो सी एच, यानी कि जो वेरिएबल मैंने लिया है ना करेक्टर डाटा टाइप के उसमें जाए। अब देखें कि अगर जो सी एच मैंने एंटर किया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो, बड़ा हो किससे, ए से, किससे, ए से बड़ा हो, ठीक है। तो और बड़ा ये, हाँ जी ठीक है, जो मैंने सी एच एंटर किया है सी एच फिर इस तरफ लिखा जाएगा ना, जी ठीक है। और एंड ऑपरेटर के लिए ये हमारे पास आ जाएगा, एंड ऑपरेटर कहाँ गया, ये है, ठीक है। और अगर सी एच जो है वो लेस देन हो, लेस देन इक्वल टू हो किससे, कैपिटल जी से, कैपिटल जी, तो ये हमारे पास कैपिटल जी से, तो फिर स्क्रीन पे क्या शो होगा, तो फिर स्क्रीन पे हमारे पास शो होगा के गिवन करेक्टर जो होगा हमारे पास कैपिटल लेटर, ठीक है, कैपिटल लेटर स्क्रीन पे शो होगा, कैपिटल लेटर। बाकी डिटेल बुक पे लिखी हुई है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, डिटेल मैंने समझा भी दी आपको। इसी तरह अगर सी एच जो है, अगर जो है कंडीशन लगने के लिए, अगर सी एच जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ किससे, स्मॉल ए से, एंड ऑपरेटर आ जाएगा हमारे पास, सी एच जो है वो लेस देन इक्वल टू हुआ किससे, लेस देन स्मॉल जी से, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू किसकी होगी, सी आउट स्क्रीन पे शो हो जाए, कैपिटल होता है एक स्मॉलर लेटर, ठीक है, कैपिटल और स्मॉलर लेटर, स्मॉलर ही होता है, पता नहीं क्या होता है, देखें जी। और अगर करैक्टर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ करैक्टर जीरो से लेके एंड किससे, सी एच लेस देन हुआ किससे, नाइन से, ये जीरो से नाइन होता है शायद, नाइन से, तो फिर हम क्या कहेंगे, स्क्रीन पे शो हो जाए, स्क्रीन पे शो हो जाए क्या, डिजिट, ठीक है, डिजिट। और एल्स में हम केस लगा देंगे, कौन सा एल्स में हम केस लगा देंगे, एक मिनट, यहाँ पे एल्स में लगा देंगे, अदरवाइज जो हमारे पास चीज़ होगी वो क्या होगी, एक स्पेशल सिंबल होगा, ठीक है, स्पेशल सिंबल होगा, सिंबल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पे गेट सी एच लगा देंगे, गेट सी एच आ गया हमारे पास, और यहाँ पे फिर हम ये बंद कर देंगे, और क्लियर स्क्रीन भी लगनी चाहिए तो क्लियर स्क्रीन के लिए यहाँ पे सी एल आर एस सी आर लगा दूंगा मैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये एल्सिफ आएंगी बाकी कंडीशन, ठीक है, बाकी कंडीशन कौन सी आएंगी, एल्सिफ वाली, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास एल्सिफ, ठीक हो गया। ये मैंने कंपाइल किया, कोई रन किया, अब देखें मैं फोर एंटर कर रहा हूँ तो ये हमें बताएगा डिजिट है, ठीक है। मैंने कंपाइल किया, मैंने रन किया, मैं कैपिटल स्मॉल ए तो ये बता रहा है स्मॉलर लेटर है, मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया, मैं कैपिटल वाई यूज़ कर रहा हूँ तो ये बताएगा मुझे कैपिटल लेटर है। ये मैंने कंपाइल किया, ये मैंने रन किया, और मैं कोई और सिंबल, ये देखिए डॉलर साइन यूज़ कर रहा हूँ तो वो बता रहा है स्पेशल सिंबल। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। नेक्स्ट दोबारा हम थ्योरी पर चलते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास नॉट ऑपरेटर आ गया। नॉट ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है इस पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमारे पास फॉल्स आंसर आ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो इस पे नॉट ऑपरेटर अप्लाई करें तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम देखेंगे, उससे समझ आएगी। वो कहता है कि ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि इनपुट और नंबर, एक नंबर इनपुट करें, तो इनपुट नंबर के लिए ये देखें इनपुट सारी हुई कितनी दफ़ा हमने इनपुट की है, एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ इवन आर ओड, और चेक करें ये इवन है या ओड बाई यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो देखें अगर मैं एक नंबर कोई भी जो एन है उसका रिमाइंडर लूँ, टू से डिवाइड करवा के उसका रिमाइंडर दूँ, ठीक है, उसका रिमाइंडर दूँ,
अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, ये चीज़ हमारे पास इवन हो जाती है, ठीक है, ये इवन को शो करता है। लेकिन अब इवन और ऑड मैंने शो करवाना है किसके जरिए, नॉट ऑपरेटर के जरिए, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या होगा, ये इवन नहीं है, यानी कि ये फिर हो जाएगा ऑड। तो बिल्कुल यही देखें कि यही क्राइटेरिया यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखें कि अगर एन को टू से डिवाइड करवाऊँ रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाता है तो नॉट ऑपरेटर लगा के कह दिया गया है कि ये ऑड होगा, अदरवाइज ये इवन होगा। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी प्रोग्राम की, बाकी वही चीज़ें हैं सारी। नेक्स्ट ये हमारे पास प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम डैट इनपुट्स थ्री डिजिट्स एंड डिस्प्ले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिजिट। वो कहता है कि तीन डिजिट इनपुट करें और उनके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखें। तो तीन डिजिट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो एक दो और तीन, तीन प्लेसेस हैं और तीन ही डिजिट है। पहले पे तीन में से कोई एक डिजिट आ सकता है, दूसरे पे कोई एक, दो में से कोई एक आ सकता है, तीसरे पे एक बचेगा। तो अगर हम देखें तो तीन दो बार छः, तो टोटल छः पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो तीन चार और पाँच दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं वो यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ। वन टू थ्री, एक ये, और एक फिर हमारे पास बनेगा वन थ्री टू, ठीक है, और एक हमारे पास बनेगा टू थ्री वन, ठीक है, और एक हमारे पास बन जाएगा टू वन थ्री, ठीक है, और एक हमारे पास बन जाएगा थ्री टू वन, और एक हमारे पास बनेगा थ्री वन टू, ठीक है। तो इसमें सारे हैं लेकिन ये वाला जो है इसमें ऐड नहीं उन्होंने किया हुआ, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कोडिंग में, यानी कि ये इसके लिए उसने कम्बिनेशन नहीं लिखा हुआ। तो बाकी ये प्रोग्राम मैम को भी पता है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वजह से ये हमारे प्रैक्टिकल में दे ही नहीं सकते वो, ठीक है। तो बाकी इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है ये इसके लिए डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी हमने जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर ली है, इस वजह से इसको हम छोड़ देते हैं अभी। स्विच स्ट्रक्चर किसके लिए होता है, जो बार बार हम इफ एल्स इफ यूज़ करते थे ना, उसके काम को आसान करने के लिए स्विच स्ट्रक्चर यूज़ होता है। प्रोग्राम से समझते हैं, वो कहते हैं राइट प्रोग्राम डैट इनपुट आ इनपुट नंबर ऑफ वीक्स डे, वीक्स डे का एक नंबर इनपुट लिया करे और बताया करे उस डे का नंबर, यानी कि एक हफ्ते में सात दिन है ना, अगर फ़र्ज़ किया वो तीन बता रहा है, यानी कि तीन नंबर इनपुट करे, तो मैं कहूँ सोमवार मंगल बुध, यानी कि हमारे पास वेडनेसडे स्क्रीन पे शो आए, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि फ्राइडे को वन देना है आपने, फ्राइडे को वन देना है, तो फिर थ्री पे क्या बनेगा, फ्राइडे वन सैटरडे टू संडे थ्री, यानी फिर कि फिर थ्री पे हमारे पास संडे शो आए, ठीक है। ये वाला ये उन्होंने बता दिया कि वन जो है वो इंटर करे तो फ्राइडे आए, टू पे हमारे पास फिर सैटरडे आए, थ्री पे संडे आए, ठीक है। फोर पे हम एक नंबर दिया करेंगे, सात में से कोई भी एक नंबर होगा तो वो हमें बताया करेगा कौन सा नंबर है, ठीक है। और अगर सात के अलावा कोई नंबर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के अलावा, तो वो इनवैलिड नंबर कहेगा। देखिए स्विच कैसे यूज़ करते हैं, तो पहले इनपुट का नंबर, ये हमारे इनपुट हो गए, ठीक है। अब देखें स्विच में हमने एक नंबर देना है ना, तो मैं लगा दूंगा स्विच नंबर। अब ये नंबर जिससे भी मिल गया, ये देखें हर एक में केज लिखूंगा, वन से मिल गया तो स्क्रीन पे फ्राइडे शो हो जाए, टू से मिल गया तो स्क्रीन पे सैटरडे शो हो जाए, थ्री नंबर से मिल गया तो ये, यानी कि जो भी नंबर फर्ज किया मैंने यहाँ पे सिक्स एंटर किया है, तो ये ना वन से मिला ये नहीं चलेगा, ना टू से मिला ये भी नहीं चलेगा, थ्री से नहीं मिला ये भी नहीं चलेगा, फोर से भी नहीं मिला ये भी नहीं, फाइव से भी नहीं मिला ये भी, सिक्स एंटर किया था तो सिक्स सिक्स से मिल गया तो स्क्रीन पे वेडनेसडे शो हो जाएगा। वेडनेसडे शो होने के बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब है ये इसे निकाल के यहाँ से लूप से बाहर ले आएगी यहाँ पे, ठीक है, लूप से बाहर निकाल के ले आएगी, बस हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। और फर्ज किया है कि वो मैं नंबर एट एंटर करता या नाइन एंटर किया है, जो किसी से भी नहीं मिलता, फिर वो इससे भी नहीं था मिलना, इससे भी नहीं था मिलना, फिर डिफॉल्ट वाली चीज चलनी थी कि इनवैलिड नंबर, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी, दोबारा देख लें। अब दोबारा उन्होंने यहाँ पे कितना किया है, उन्होंने तीन किया है, एंटर तीन किया, तो पहला केस चेक करेगा, केस वन है यहाँ पे थ्री है तो ये नहीं चलेगा, यहाँ पे टू है यहाँ पे थ्री है ये भी नहीं चलेगा, तीन आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे संडे शो हो जाएगा, और ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक इसे निकाल के यहाँ से बाहर ले आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास ये प्रोग्राम चलता है। तो ये देखें तीन के लिए हमें संडे स्क्रीन पे शो हो गया और आगे चल गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, वो कहता है राइट प्रोग्राम डेट इनपुट अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर, यूजर से करेक्टर ले और चेक करे कि ये वावल है कि नहीं। तो वावल के लिए हमने पीछे देखे प्रोग्राम एक और किया था, तो आप जो सा मर्जी प्रोग्राम कर लें, लेकिन अगर स्पेशली तौर पे साल लिख दिया जाए ना स्विच स्ट्रक्चर के जरिए या इफ एल्स इफ के जरिए आपने करना है, तो फिर ये हमें लाजमी करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी साल लिखा तो नहीं, लेकिन स्विच को समझाने के लिए हम इसे स्विच से ही करेंगे। देखें एक करेक्टर इनपुट करना है तो करेक्टर सी ले लिया हमने, करेक्टर इनपुट किया एक अल्फाबेट सी, अल्फाबेट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अल्फ़ाबेट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है, तो एक ही अल्फ़ाबेट यानी कि एक ही हरूफ तहजी, उर्दू का एक ही हरूफ तहजी होता है, अलिफ बे अली से लेके या तक, ठीक है, अलिफ से लेके ये तक। अरबी का भी एक ही हरूफ तहजी होता है, अलिफ से या तक।
ए बी सी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश का भी एक ही अल्फाबेट होता है ए से लेके जी तक, लेकिन ये जो 26 हम कहते हैं ना ये लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा है इंटर एन अल्फाबेट तो यहाँ पे आना था इंटर अ लेटर, ठीक है इंटर अ लेटर, तो सही है आप इसको सही कर लीजिएगा। बाकी उन्होंने कहा कि सीन यानी कि ये हमारे पास इनपुट हो गई, अब स्विच यहाँ पे सी लगा दिया। अगर दिया गया हमारा पास, अगर हम ये देखें अगर दिया गया सी जो है वो या तो स्मॉल ए हुआ या कैपिटल ए, तो हम कहेंगे यू एंटर अ वावल ब्रेक, ठीक है। फिर ये वाला होगा स्मॉल ए या कैपिटल ए, ये मैं प्रोग्राम ना आपको करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। चलें जी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, हैश इंक्लूड आइए सर ट्रीम डॉट एच, आइए सर ट्रीम डॉट एच, और फिर हैश इंक्लूड इंक्लूड छोट, जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे ठीक है। और मैं डायरेक्ट ही चीज़ें लिखूंगा, यहाँ पे आ गया वाइड मेन, और फिर यहाँ पे देखे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। मैं आगे क्लियर स्क्रीन यूज़ करने लगा हूँ, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे ही मैं इनपुट आगे करने लगा हूँ। मैंने एक करेक्टर ले लिया चार सी एच, ठीक है, और यहाँ पे ही मैं इसकी सीन करने लगा हूँ, यानी कि यहाँ पे ही मैं सी आउट लगा दूंगा, और मैं कहूँगा इंटर अ करेक्टर, इंटर ए करेक्टर, इंटर ए करेक्टर, एक करेक्टर इनपुट करें, इंटर ए करेक्टर नहीं, इंटर ए हाँ इंटर ए लेटर, ठीक है इंटर ए लेटर, एक लेटर इनपुट करें, और यहाँ पे फिर आगे ही मैं सीन लगा दूंगा, यानी कि मैंने इनपुट जो है वो पहली लाइन यहाँ पे करवा दी सी एच में करवा दी, ठीक है। अब सी एच नहीं, यहाँ पे सी यूज़ कर लें, चले सी एच मैंने यूज़ कर दिया। अब स्विच में मैं क्या करूँगा, अब स्विच यूज़ करने लगा हूँ, स्विच स्वी एच में, स्विच में मैं यहाँ पे सी एच रख दूंगा सी एच, ठीक है। अब देखें यहाँ से स्टार्ट होने लगा है, स्विच की बॉडी स्टार्ट होने लगी है। केस केस ये है कि अगर ये हमारे पास स्मॉल ए आ गया, ठीक है स्मॉल ए एंड पे कॉलन आता होता है, स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए आ गया, या फिर केस में यहाँ पे लगाने लगा हूँ, यानी कि यहाँ पे ना इस तरह हम यूज़ कर लेते हैं, एक मिनट सिर्फ एक मिनट, ताकि हमारा प्रोग्राम खूबसूरत लगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ये कर ली ब्रैकेट और यहाँ पे ये आ जाएगी, ये देखें अब यहाँ पे मैं क्या लगाने लगा हूँ, केस लगाने लगा हूँ, केस केस क्या है, अगर ये हमारे पास स्मॉल ए आ गया, क्या आ गया स्मॉल ए आ गया, स्मॉल ए या कैपिटल ए आ गया एंड पे, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं कॉलन आता होता है, या कैपिटल ए आ गया, या कैपिटल ए आ गया, कैपिटल ए आ गया, ठीक है। तो स्क्रीन पे क्या शो हो जाए, स्क्रीन पे शो हो जाए यू एंटर ए, ठीक है यू एंटर ए, यू बल्कि वावल, यू एंटर्ड अ वावल, यू एंटर्ड अ वावल, ठीक है जो आपने वावल एंटर किया है, ठीक है। और अब इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यही चीज़ मेरी बार बार यूज़ होगी, कॉपी शिफ्ट इंसर्ट, देखें जी अब यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट ये पेस्ट हो गया, और यहाँ पे अब मैं ए आई कर लेता हूँ, ठीक है ना, आई कैपिटल आई स्मॉल आई, ठीक है कैपिटल आई और स्मॉल आई, ये देखें, ठीक है यू एंटर अ वावल, इसके लिए दोबारा अब दोबारा यहाँ पे एंटर पेस्ट करूँगा, ठीक है ए आई ओ, अब ओ के लिए करूँगा ओ, ठीक है ओ के लिए आ गया, और अब यू के लिए करूँगा, तो देखें यू के लिए करने लगा हूँ, तो ये यू के लिए आएगा, अब यू के लिए, ये यू के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ए आई ओ, ए आई ओ यू और ई के लिए अब यहाँ पे करने लगा हूँ, देखिएगा यहाँ पे किसके लिए, ई के लिए करने लगा हूँ, ये हमारे पास ई के लिए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि हर एक केस के बाद ना ब्रेक स्टेटमेंट लाजमी हम लगाएंगे, ठीक है ना, इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक के बाद सेमी कॉलन, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर ब्रेक स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी आ जाएगी ब्रेक स्टेटमेंट, और यहाँ पे भी आ जाएगी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगी, यानी कि ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है ब्रेक स्टेटमेंट, और ताकि हमने रोकना भी है ना वहाँ से बाहर आ जाए करे, और फिर यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी, ब्रेक ब्रेक, और एक एंड पे डिफ़ॉल्ट केस हम रखते होते हैं, डिफ़ॉल्ट केस कौन सा केस, डिफ़ॉल्ट केस जिसमें हम सी आउट में करवाएंगे क्या, इनवैलिड वावल, इनवैलिड नॉट अ, नॉट अ वावल, ठीक है इसमें कर देंगे नॉट ए वावल, की वावल नहीं है, नॉट ए वावल, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे, इसके लिए भी ब्रेक आएगी, ठीक है,
और बाकी एक रह रहते ही हम देख लेंगे। और ये हमारा स्विच ख़त्म हो गया, गेट सी एच लगा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें कंपाइल किया, रन किया। अब अगर मैंने ई एंटर करके देखता हूँ, ई एंटर किया वो कह रहा है यू एंटर अ वावल, ठीक है। अगर मैं कोई और एंटर करूँगा, फ़र्ज़ किया मैंने डब्ल्यू एंटर कर दिया, वो कहता है नॉट ए वावल, ठीक है। अब देखें, अब ये इतना लेंथी लिखने की बजाय ना इसको हम सिंपल भी कर सकते थे। सिंपल का मतलब ये है कि मैं सारी चीज़ें ना सारे केस एक में ही कर सकता था, यानी बुक वालों ने इतना लेंथी लिख दिया। ये देखिएगा, अब मैं सारे केस एक में ही करने लगा हूँ, देखिएगा सारे केस, बल्कि ये मैंने लिखा रहने देना था, चलें खैर, यानी कि देखिएगा अभी ये सारे केस मैं एक में ही कर सकता था, लेकिन बुक वालों ने दो दो केस इकट्ठे किए ना उन्होंने, मैं सारे केस इकट्ठे करने लगा हूँ, देखिए सारे केस इकट्ठे करने लगा हूँ, देखिएगा, ठीक है, एक ही लाइन में करने लगा हूँ। देखिए केस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, केस दोबारा कि अगर कैपिटल ए आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं आगे वाला केस लिख देता हूँ, केस अगर ए आई आ गया, ठीक है, ए ई आ गया, ठीक है, यहाँ पे देखें ए आ गया, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ई, देखिए अब मैं एक ही लाइन में केस कर रहा हूँ, यानी ठीक है, तो यहाँ पे केस ई आ ए आई आ जाएगा, आई आ गया, ठीक है, और यहाँ पे केस कैपिटल आई लिख देता हूँ। एक ही प्रोग्राम को करने के देखे कितने तरीके हैं, और यहाँ पे मैं केस ए आई ओ लगा देता हूँ, ओ, ठीक है, केस ओ कैपिटल ओ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं लगा देता हूँ केस केस ए आई ओ यू यू यू, ठीक है, ये यू आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा केस केस जो है वो यू आ जाएगा, ठीक है, केस यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर कोई भी केस आ जाए तो स्क्रीन पे क्या शो होना चाहिए, यू एंटर्ड अ वावल, ठीक है, यू एंटर्ड अ वावल के आपने वावल को इनपुट किया है, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा कंपाइल होगा, दो एरर्स आ गई हैं, क्या वो कहता है डुप्लीकेट केस के केस डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो केस को डुप्लीकेट से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर दिया करेंगे, ठीक है ना, वो एक लाइन में नहीं आ सकते वो कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो सेमी कॉलन तो शो करता है ना केस को, तो वो नहीं, ये अब करके देखते हैं, ये कंपाइल कर दिया, दो एरर्स आ रही हैं, वो कहता है एक्सप्रेशन एरर आ रहा है, तो डुप्लीकेट केस कौन से आ गए, हाँ यू हमने दो दफ़ा लिख दिया, वैसे भी लिख सकते थे ये डुप्लीकेट केस आ रहा था, यानी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं जैसे हम पहले लिख रहे थे, ठीक है, वो हमने दो केस एक जैसे लिख दिए थे, ठीक है, वो एरर आ रहा था। देखें एरर वो ज़्यादा जिस तरह हो उनसे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रामर को समझ आ जाए एरर की, सिंटैक्स एरर की, ठीक है। अब कंपाइल करता हूँ, ये देखिए अब ठीक है, रन किया, अब फर्ज़ किया मैंने आर पुट कर दिया तो नॉट ए वावल, कंपाइल किया रन किया, अब यू मैंने पुट कर दिया तो वो कहता है वावल है, ठीक है। आप इन सभी केसेस को एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते थे आप केसेस को, ठीक है, सभी केसेस को एक लाइन में कर दें, इन दो को एक लाइन में कर देते हैं, जैसे मर्जी प्रोग्राम सिंपल सादा आसान बनाए। तो ये हमारे पास आ गया, W कर दिया तो वो नॉट ए वावल, ठीक है, इस तरह। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आई होगी, ये क्या है कि अगर इनमें से कोई भी एक केस से मैच कर देता है वो करेक्टर हमारा, तो हम कहेंगे यू एंटर्ड ए वावल, और अगर नहीं मैच करता तो हम कहेंगे नॉट ए वावल। दोबारा चलते हैं थ्योरी पे। अब उम्मीद करता हूँ कि इस वाली चीज़ की समझ आएगी होगी। ये देखें उन्होंने लादे लादे केस बनाए हुए हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्जी बनाएं। अब देखें क्योंकि हर एक की आउटपुट तो सेम ही आनी है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है राइट प्रोग्राम डेट इनपुट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन अपडेटेड एंड एन अदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। वो कहता है कि दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले, लादा लादा, और एक ऑपरेटर ले, और जो ऑपरेटर है ना उसको उस पर परफॉर्म भी करे। इफ़ द ऑपरेशन इज द डिवीजन, अगर डिवीजन है तो वो चेक करे कि ये डिवाइजर जीरो के इक्वल तो नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटर ये वाला है, इनमें से नहीं है, तो वो एक एरर मैसेज प्रिंट कर दिया करे, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, दो फ्लोट लिए गए हैं, एक ऑपरेशन लिया गया है, ठीक है, वो पहला फ्लोटिंग पॉइंट मांग रहा है, फिर ऑपरेटर मांग रहा है, फिर दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट मांग रहा है, फिर ऑपरेशन में देख रहा है कि अगर वो प्लस वाला है तो प्लस कर दे, अगर वो माइनस वाला है तो माइनस कर दे। अगर वो, अब ये देखिए इन केसेस को इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि हर एक
की आउटपुट लेता लेता है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दे, डिवीजन है तो वो देखे कि डिवीजन जीरो तो नहीं है, अगर वो जीरो है तो वो कह दे कि डिवीजन बाय जीरो नॉट, यानी कि डिवीजन बाय जीरो जो है वो नॉट अलाउड है, और अगर जीरो नहीं है तो फिर आप इसको डिवाइड कर दे। ब्रेक में डिफॉल्ट में लगा दिया कि अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर इनवैलिड ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही कमाल का प्रोग्राम है ये भी, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, आगे हम चलते हैं। दोबारा देख लें, मैं मज़ीद डिटेल से समझा देता हूँ अगर कोई बच्चे को समझ नहीं आई। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास फ्लोट दो आ गए। ठीक है, ये हमने एक ऑपरेटर ले लिया, पहला फ्लोट इनपुट करवाया, दूसरा फ्लोट इनपुट करवाया, ऑपरेटर इनपुट करवाया। ऑपरेटर अगर प्लस हुआ, ठीक है, प्लस हुआ तो मैं प्लस करवा दूंगा, अगर माइनस हुआ तो माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन हुआ तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। डिवीजन है तो वो चेक करेगा जीरो के इक्वल है कि नहीं, अगर जीरो के इक्वल हुआ तो स्क्रीन पे ये मैसेज शो होगा, ठीक है, और अगर जीरो के इक्वल नहीं हुआ तो ये डिवाइड करवा देगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा, इनवैलिड ऑपरेटर, यानी कि अगर इनके अलावा अगर हमने कोई केस या कोई और ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि एंड पर लिखा भी हुआ है कि एड इन मैसेज आना चाहिए अगर कोई और ऑपरेटर हुआ। उम्मीद करता हूँ इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। अब ये वाला रहने दे प्रोग्राम को, इसकी स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये प्रोग्राम में नहीं आता होता। ठीक है, वैसे भी अगर आ जाए तो वो उसी तरह है जिस तरह वो कहता है कि सैलरी में इतना ऐड कर दिया, इतना ऐड कर दिया, बिल में इतना ऐड कर दिया इतना। यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है, अगर इतनी एज है तो ये इतनी कीमत, अगर वो अडल्ट मेंबरशिप है तो वो 50 रुपये, चिल्ड्रन मेंबरशिप है तो 20 रुपये, सीनियर सिटीजन मेंबरशिप है तो वो 30 रुपये। ठीक है, और पहले वो पूछे भी, ठीक है, तो ये सारा उन्होंने बताया हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम क्या है, ये मजे का प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम डैट कन्वर्ट्स ASCII नंबर टू करेक्टर एंड वाइस वर्सा। मैंने कहा था ना ASCII कोड होता है, तो वो कहता है कि वो राइट प्रोग्राम डैट कन्वर्ट ASCII नंबर टू करेक्टर, ASCII को करेक्टर में करा किया करे या करेक्टर को ASCII में किया करे, वो चॉइस के थ्रू पूछा करे, वाइस वर्सा मतलब है कि इसके उलट भी। द प्रोग्राम शुड द फॉलोइंग मेन्यू, और पहले वो स्क्रीन पर दिखाए वन, यानी कि कन्वर्ट ASCII को करेक्टर में करना है या करेक्टर को ASCII में करना है। अगर हम 1 प्रेस करें तो ये वाला हो, अगर हम 2 प्रेस करें तो ये वाला हो। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें स्टैंडर्ड लिब डॉट हेडर फाइल भी यूज़ हो रही है, तो ये इसके बारे में अगर हम नहीं पता, ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, STD स्टैंडर्ड LIB लिब लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को देखें, केस लगा दिए हैं ऑप्शन में, यानी कि ये पहले स्क्रीन पर टू द पॉइंट शो होंगे, स्क्रीन पे एक हमने लेटर ले लिया, अगर लेटर क्या होगा और एक हमने ऑप्शन ले लिया है। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे केस वन है केस टू है, अगर कोई भी नहीं है तो हम कहेंगे इनवैलिड ऑप्शन है। अगर केस वन है तो हम क्या करेंगे, केस वन का मतलब क्या है, ASCII को करेक्टर में करेंगे, केस टू का मतलब क्या होगा, करेक्टर को ASCII में करेंगे। ठीक है, तो ये जो भी नंबर हम इनपुट लेंगे, देखें पहले केस पूछा जाएगा बाद में चॉइस ली जाएगी, अगर केस वन है तो फिर हम वैल्यू मांगेंगे, अगर केस टू है तो फिर हम करेक्टर मांगेंगे। ठीक है, अगर देखें केस वन है तो नंबर मांग रहा है, केस टू है तो वो लेटर मांग रहा है। ठीक है, इंटर लेटर और सीन लेटर, और अगर केस है तो ये मांग रहा है। ठीक है, और अगर हमारे पास एक नंबर है तो उसकी करेक्टर वैल्यू इस तरह हम शो करवाएंगे लिब को यूज़ करते हुए, और अगर हम जो लिब ऊपर यूज़ किया ना उसके लिए ये फंक्शन है, और अगर हमारे पास वो लेटर से हमने वैल्यू शो करवानी है तो उसके लिए इंटीजर लेटर, ये वाला हमारे पास लिब यूज़ किया ना ऊपर, यानी कि स्टैंडर्ड लिब, तो उसमें इसकी डेफिनेशन बड़ी होती है। तो ये हमारा अगर ना केस वन है ना केस टू है तो वो इनवैलिड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, टर्नरी ऑपरेटर होता है, यानी कि तीन ऑपरेंड पे काम करता है। यहाँ पे कंडीशन आएगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली चीज़ चला करेगी, कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली चला करेगी। ये देखें एग्जांपल, वो कहता है कि अगर ए 50 से बड़ा है तो 1 वैल्यू आ जाए वगिरना 0। ठीक है, अगर 1 वैल्यू आ जाए तो 1x को जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो 0 वैल्यू x को जाएगी। तो ये देखा है कि अगर x ग्रेटर देन है 50 से x की वैल्यू 1, और अगर फॉल्स है ये कंडीशन तो ये 0 चली जाए। ठीक है, वही इफ एल्स वाला काम देखें इसमें किया गया है, इफ एल्स की जगह पे ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज होता है। तो यहाँ पे बताया गया है, ये देखें आगे, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि इनपुट मार्क्स ले फिर स्टूडेंट के मार्क्स ले और डिस्प्ले करे पास, अगर मार्क्स जो है 40 से ज्यादा है वो गिनना फेल कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स ले लिए, इनपुट हो गए, यहाँ पे सारा काम, रिजल्ट इज स्क्रीन पे क्या शो होगा, रिजल्ट इज अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो पास शो होगा, और अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल शो होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखें, राइट प्रोग्राम डैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले वेदर इट डिविजिबल बाय 3 आर नॉट, तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है तो हम डिविजिबल बाय 3 लिखेंगे, अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो हम कहेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये आईओ स्ट्रीम कोनियो लग गई, ये हमने इनपुट हो गई, ये सी इन एन हो गया, अगर जो नंबर इनपुट लिया है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है
तो ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा डिविजिबल बाय 3। और अगर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो ये आ जाएगा नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये देखें कि जब हमने इनपुट दे दी कितनी 15 वैल्यू, तो 15 को 3 से डिवाइड करवाया, पूरा पूरा तकसीम होता है। हाँ जी होता है, ट्रू है, तो ट्रू के लिए पहला केस चलता होता है, ठीक है। तो यह आ जाएगा डिविजिबल बाय 3। फर्ज किया मैं यहाँ पर 16 एंटर करता तो 16 पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, फिर ये वाली चीज़ चलनी थी, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये हमारे पास हो गया। अब गो टू स्टेटमेंट पर आए, गो टू स्टेटमेंट की बात करते हैं। द गो टू स्टेटमेंट यूज टू मूव द कंट्रोल डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। गो टू स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? एक पर्टिकुलर खास स्टेटमेंट पे जंप लगाने के लिए, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू मूव द कंट्रोल, कंट्रोल को डायरेक्टली एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक खास जगह पे भेजने के लिए यूज होती है। प्रोग्राम बाय यूजिंग लेबल, लेबल को यूज करते हुए, ठीक है। लेबल क्या होता है? लेबल एक नेम होता है जो कि पर्टिकुलर लाइन को दिया जाता है। देखें ना कि मैं फर्ज किया है कि मैं कहता हूं कि हमने किसी जगह पे पहुंचना है, तो पहले उस आपने ना कोई गेम खेली होगी, तो उन गेम्स में आपने बहुत दफा देखा होगा कि एक ऐसी गन होती है या स्पाइडरमैन की बात, हाँ स्पाइडरमैन का जाला बिल्कुल उसी तरह है कि यानी कि जिस चीज़ को वो निशाना बना के जाला फेंकता है फिर वहाँ पे पहुँच जाता है। तो लेबल भी यही है कि वहाँ पे पहले उस जगह पे लेबल लगाएंगे फिर वो गो टू वहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो लेबल क्या, गन भी होती है, वो मैंने आपको बताया ना कि वो क्या होता है कि वो रस्सी वाली गन होती है, यानी कि वो चलाते हैं तो वो रस्सी पहले जाके वहाँ पे लग जाती है, बाद में हम उछल के वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो बिल्कुल यही है कि पहले हम लेबल उस लाइन पे लगा लिया करेंगे फिर हम उछल के वहाँ तक पहुँच जाएंगे बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये उसका है, गो टू लेबल लगा लें और जहाँ पे लेबल होगा वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। ये देखें क्लियर स्क्रीन, एन वन लूप, ये लेबल लगाया हुआ है, ठीक है। लेबल तो सी आउट और सी आउट एन सी प्लस प्लस एंड एल एन प्लस प्लस, अगर एन जो है वो 5 से छोटा हो तो ये यहाँ पे चला जाए, ठीक है। अब ये जब तक n छोटा रहेगा ये चीज़ चलती जाएगी, ये चलती जाएगी तो ये यहाँ पे घूम के आता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर n 5 से बड़ा हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, फिर हमारा प्रोग्राम नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 5 दफ़ा क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 1 थी तो यहाँ तो ये घूम के जाता रहा, n की वैल्यू में इजाफा होता गया, जब n की वैल्यू 5 से बढ़ गई तो ये मज़ीद शो नहीं हुआ। तो लूप वाला काम, लूप लेबल वाला यूज़ करते हुए, हम गो टू स्टेटमेंट लेबल को यूज़ करते हुए लूप वाले काम भी ले सकते हैं इसे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा ख़त्म हो गया है, तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।